गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अंशुल सिंह कॉन्स्टिट्यूशन के इस लेक्चर 3 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये जो लेक्चर 3 है, ये हमारे पार्ट ए सीरीज का थर्ड लेक्चर है, मतलब ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में से एक है। और इस लेक्चर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये लेक्चर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। इसमें से चाहे आप यूपीएससी उठा के देखो, चाहे सीजीपीएससी, कोई भी अच्छे लेवल का अगर एग्जाम उठा के देख रहे हो जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ठीक है, जो प्रशासनिक जो अधिकारी है उनके टेस्ट जो भी एग्जाम लेता है, ठीक है, तो उसमें ये जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के ऊपर है, ठीक है, वहां से 2 क्वेश्चंस मिनिमम उठाना ही है, मतलब कंफर्म 2 क्वेश्चंस आते ही है, ठीक है। अब देखो, पता है प्रॉब्लम यह हो जाती है कि हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं, अब हम लोग अगर देखा जाए तो ये पूरा जो पार्ट 3 है वो एक लेक्चर में, सिर्फ इसी लेक्चर में मैं पूरा कवर कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन आप उससे सिर्फ फंडामेंटल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फंडामेंटल मतलब जिसमें डायरेक्ट ये पूछ लेगा आपसे कि बताओ आर्टिकल 14 का बेसिक बस आपको पता हो, आर्टिकल 19 का बेसिक आपको पता हो, आर्टिकल 21 का बेसिक आपको पता हो, ठीक है। अभी हाल ही में आर्टिकल 18 ट्रेंडिंग चल गया, ठीक है, जो टाइटल्स वाला है, ठीक है। तो ऐसे ये सभी आर्टिकल्स एकदम बेसिक बेसिक अगर इंफॉर्मेशन है तो आपसे एक क्वेश्चन फंडामेंटल वाला बन जाएगा, ठीक है। पर एक क्वेश्चन जो ट्विस्टेड वाला जो क्वेश्चन आता है जिसमें अच्छी खासी मतलब डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को करना क्या है, फंडामेंटल राइट्स, भाई उनको पता होना चाहिए कि वो जिन लोगों की सुरक्षा के लिए, जिन लोगों के ऊपर प्रशासन करने के लिए बैठे हैं, उनके लोगों के मौलिक अधिकार क्या है। तो उनकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से होनी ही चाहिए। पार्ट 1 पार्ट 2 ना हो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रोल नहीं होता है उसमें प्रशासनिक अधिकारियों का। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो पार्ट 3 में होता है, इसीलिए यहां से 2 क्वेश्चंस आने कंफर्म है। पर अगर करंट अफेयर्स में इसका कोई भी आर्टिकल ट्रेंडिंग हो गया तो आप यही चीज 3 से 4, आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन दिखेगा लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई पॉइंट हाईलाइट हो गया तो 3 से 4 क्वेश्चन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये टैबलेट वीडियो लेके आ रहा हूं जिसके अंदर हम एकदम बेसिक जो मूल मूल बातें हैं, ठीक है, पार्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले, कि मैं उससे पहले कि मैं आर्टिकल से स्टार्ट करूं, आर्टिकल 19, 20, आर्टिकल 12 से जो स्टार्ट करूंगा, ठीक है, 12, 13, 14, उससे पहले हम कुछ बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि प्री वाले एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी प्री हो, सीजीपीएससी प्री हो, उसमें ज्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है, वो मैं यहां पर आपके सामने थोड़ा अच्छे से कर पाऊं, ठीक है। तो लेक्चर 3, 4 और 5, 3 लेक्चर्स में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। वैसे अगर मैं सिर्फ प्री फोकस करता मैं एक लेक्चर में से खत्म कर सकता था, क्योंकि मैंने आपको वादा किया है कि अगर 15 क्वेश्चन आएंगे तो मैं 10 क्वेश्चन, आप मेरी वीडियोस अगर अच्छे से देखे हो तो कंफर्म 10 क्वेश्चन की गारंटी देता हूं। बाकी फिर आपके पढ़ने के ऊपर है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है और करंट अफेयर्स में कितनी इंफॉर्मेशन है, तो आप पूरे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक, और अभी हमारे पास टाइम भी है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये 3 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे और हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारा पहला जो फंडामेंटल राइट है, और हम लोग आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 12 से लेके अनुच्छेद नंबर 18 तक हम ये काम करेंगे, ठीक है, आज का लेक्चर। फिर अगले 2 लेक्चर्स में हम उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो चलो इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल में बनाने वाला हूं जिसमें रेगुलर हर दिन हम लोग फंडामेंटल राइट्स या फिर जो भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी हम लोग लेटेस्ट पढ़ते जाएंगे, उन सभी के रोज के 5-5 क्वेश्चंस, ठीक है, रोज के क्वेश्चंस हम लोग उसमें डालेंगे, अपडेट करेंगे। और उसके अंदर मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आता है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, तो ये बिना झिझक के, अगर आपको ग्रुप में नहीं बोलते बनता है तो आप मेरे से डायरेक्ट बताओ कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी रिलेटेड चीज, चाहे हमने वो चीज कवर की हो अभी तक, हम बाद में भले ही करेंगे सब कुछ, ठीक है, या फिर नहीं की हो, कोई भी छोटी सी छोटी चीज, छोटी सी छोटी डेफिनेशन अगर समझ में नहीं आती, आप मुझे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, और शर्म वाली बात ना हो तो ग्रुप में डालो, इससे आपका बहुत फायदा हो सकता है और आपके साथ में बाकी लोगों का भी। तो इस चीज का ध्यान देंगे, और बहुत ही जल्दी मैं ये डेली प्रैक्टिस के लिए ये चीज लेके आ रहा हूं। तो चलो हम अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो बेसिक चीजें हैं, जो कि क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने ज्यादातर आते हुए देखे हैं, वो क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार वाला जो टर्म है वो हम लोगों ने कौन से देश से निकाला है,
ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको नाम लेना है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ठीक है, जिनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ संविधान है, ठीक है, तो इनका हम लोगों ने ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक है, अच्छा, लेकिन ना थोड़ा सा ब्रिटेन से भी लिया है, ब्रिटेन का भी इसमें अंश है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो आप यूएसए को ही टिक करेंगे, क्लियर। अभी जैसे ही हम लोग आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे तो आप समझोगे मैं क्यों ब्रिटेन भी क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। तो कौन से देश से हमने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार को लिया है, ठीक है, तो मौलिक अधिकार मेनली हमारा कहां से आया है, यूएसए से। और इससे पहले हम लोगों ने बात की थी पार्ट टू की, मतलब पिछले लेक्चर में हमने भाग दो जो पढ़ा था, तो आप बताइए कि भाग दो में जो हम लोगों ने नागरिकता या सिटीजनशिप के बारे में जितना भी पढ़ा हुआ है वो हमने कौन से देश से लिया था। तो भाग दो, जैसा कि आप लोग रिवाइज कर पा रहे हैं, वो हम लोगों ने लिया था ब्रिटेन से, भाग दो। और भाग तीन मेनली कहां से आया है, यूएसए से। अब आता है मैग्ना कार्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैग्ना कार्टा के ऊपर। क्वेश्चन ये बोलता है कि मैग्ना कार्टा, आपको पहले पता होना चाहिए मैग्ना कार्टा है क्या, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद, मतलब कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा से संबंधित है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद रखना है कि भाग तीन, तो भाग तीन मैग्ना कार्टा से संबंधित है। अब आप समझ रहे हो, सोच रहे होगे कि मैग्ना कार्टा होता क्या है, तो देखो इसके पीछे ना एक थोड़ी लंबी कहानी है। ये जो है ये देखा जाए तो फ्रांस, अब ब्रिटेन मान सकते हो, ब्रिटेन में हुआ क्या था, जैसे बैरॉन्स नाम के कुछ हाई क्लास सोसाइटी के कुछ रिच लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, ठीक है, ब्रिटेन में बैरॉन्स, और उस टाइम पे एक राजा था, किंग था, ठीक है, किंग जॉन नाम था, तो एक राजा था और वहां पे कुछ सोसाइटी के कुछ लोग थे, जैसे हमारे यहां चलो मान लो जमींदार बोलते हैं, ठीक है, जमींदारी चलती थी यहां पर, हम लोग वहां पे क्या बोलते थे, बैरॉन, जिनकी बहुत ज्यादा जमीन, बहुत प्रॉपर्टी वाले लोग होते थे, बहुत अमीर लोग होते थे। तो ये क्या हुआ, किंग ना इन लोगों से क्या वसूलता था, क्या लेता था, टैक्स। तो एक टाइम ऐसा था कि जब टैक्स ना किंग ने, किंग के खर्चे बहुत हो गए, वो बहुत लड़ाइयां करने लग गया, तो उसके लिए ना बैरॉन्स से टैक्स को क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। तो बैरॉन्स ने इसके खिलाफ बोला कि हम तुमको राजा मानते ही नहीं है, तो इनके बीच में ना लड़ाइयां होना चालू हो गई, मतलब हम टैक्स नहीं देंगे या जो भी है, ठीक है। पर किंग को एक चीज समझ में आ गई थी कि उसकी जो शक्ति है वो पैसों से है, और पैसों उसको बहुत ज्यादा, जो टैक्स है वो बैरॉन्स देते हैं, तो बैरॉन्स अगर नाराज हो गए तो किंग के पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी, किंग के पास में रुपए कहां से आएगा, टैक्स कौन पे करेगा फिर। इसीलिए किंग ने क्या किया, बहुत सारे राइट्स ऑफर किए, ठीक है, बहुत सारे अधिकार ऑफर किए, किनको, बैरॉन को, ठीक है। तो ये जो किसने किए, किंग ने, तो इस किंग, किंग जॉन नाम था इसका शायद, हाँ किंग जॉन नाम था, और किंग जॉन ने राइट्स अधिकार ऑफर किए किनको, बैरॉन्स को। तो बैरॉन ने, ऐसा हुआ कि पूरे विश्व में ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी अपर क्लास ने, किसी मतलब जो ज्यादा जो रूल कर रहा है उसने अपने नीचे वाले लोगों को कुछ अधिकार दिए थे, ठीक है। तो उस लैंग्वेज में जो ये पहले अधिकार, जो फर्स्ट अधिकार पूरे वर्ल्ड में आया था, बैरॉन्स की लैंग्वेज में, वहां फ्रांस की लैंग्वेज में इसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा। मतलब मैग्ना कार्टा क्या है, मैग्ना कार्टा वो पहली बार ऑफर हुए अधिकार हैं जो बैरॉन्स को मिले थे, किंग ने दिए थे, क्यों, क्योंकि किंग बैरॉन्स को खुश करके रखना चाहता था, ठीक है, कि भाई लगातार टैक्स देते रहे, ठीक है मैं नहीं बढ़ाऊंगा पर देते तो रहो, जितना भी था पहले पहले ही वाला देते रहो, खुश रखना था बस उसको, ठीक है। तो पहली बार पूरे विश्व में ये पहली बार हुआ था, और उस टाइम पे वहां फ्रांस में इसका नाम क्या था, मैग्ना कार्टा उनकी लैंग्वेज में, ठीक है। और मैग्ना कार्टा पहली बार हुआ था, ऐसे ही हमारे हमारे भारत में पहली बार लोगों को, नागरिक लोगों को क्या दिया गया, मैग्ना कार्टा दिया गया, ठीक है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स जो लोगों को, सिटीजन्स को जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो मिले, उसको जो राइट्स मिले हैं लोगों को, नागरिकों को, ठीक है, नागरिकों को, गैर नागरिकों को, सबको, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा, ठीक है। अब ये चीज आप याद रखेंगे, अधिकार, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किसको, भाग तीन को, क्लियर। अब आती है बात, ये जो मैंने ऐसा लिखा हुआ है सस्पेंडेड, निलंबित, अब आपको समझना है ये सस्पेंडेड, निलंबित ये है क्या, ये शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूं इस पर, जिसपे क्वेश्चन आते हैं। तो बात ऐसी होती है कि कोई भी मौलिक अधिकार,
ठीक है, कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन हमारे भारत में वो कौन है, वो कौन सा पद है जिस पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति हमारे इन फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से नहीं हटाएगा, ये क्या करे, निलंबित करेगा, मतलब कुछ समय के लिए रोक देगा। ठीक है, तो कुछ समय के लिए रोक देने वाला काम ये सिर्फ प्रेसिडेंट के ही हाथ में होता है, हमारा राष्ट्रपति, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो कुछ समय के लिए अगर किसी अधिकार को, अब देखो एकदम दिमाग में जो लोग थोड़ा पहले से पढ़े हुए हैं तुरंत क्लिक कर रहा है, कर रहा होगा लोगों को कि सर आप तो एक आर्टिकल 20 और 21 की बात करो ना, वो तो कभी भी आप निलंबित नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी बोल रहा हूं, अभी जनरली हम लोग ले रहे हैं कि वो कौन सा आदमी है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन सस्पेंड अ फंडामेंटल राइट, एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, निम्नलिखित में से कौन सा, कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ अधिकार हैं जिनको नहीं कर सकता कोई। ठीक है, लेकिन नॉर्मल अगर बात करूं तो मौलिक अधिकारों को सिर्फ एक ही को हक है निलंबित करने का, वो है प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है। अब प्रतिबंध लगा देना, पूरी तरीके से खत्म कर देना, ये कौन कर सकता है? तो पूरी तरीके से खत्म, देखो प्रेसिडेंट भी निलंबित कर सकता है लेकिन पूरी तरीके से उसे खत्म नहीं कर सकता है। जैसे अगर आप बताओ तो अगर हम लोग देखें तो 35A का एग्जांपल दे रहा हूं मैं बस, ठीक है, आर्टिकल 35A, इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर में रामनाथ कोविंद ने 35A को खत्म नहीं किया है, उसको निलंबित कर दिया है, उसको डीएक्टिवेट कर दिया है। तब तो जाके वहां पर फिर हम लोग आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 से उस स्टेट को, जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से क्या कर दिया है, दो यूनियन टेरिटरी, दो केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है निलंबित अगर कोई करना चाहे तो प्रेसिडेंट कर सकता है, पर अगर किसी मौलिक अधिकार को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना है, प्रतिबंध करना है, तो ये काम करेगी पार्लियामेंट। ठीक है, कौन करेगा ये? संसद, ये आपको याद रखना है। और इसके लिए भी है कि संसद ऐसे ही नहीं कर सकती है, इसके लिए भी मैं आपको लिखवा देता हूं, पार्लियामेंट कर सकती है लेकिन क्योंकि ये स्पेशल काम है, इतनी आसानी से नहीं होता है, इसको करने के लिए क्या लगेगा, इसको करने के लिए लगेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब हम बात कर चुके हैं, अब पार्ट बी की वीडियोस भी अगर साथ में देखते जा रहे हैं, तो चार प्रकार के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी जो सामान्य साधारण बिल होता है जो, फिर उसके बाद मनी और फाइनेंस, ठीक है, उसके बाद चौथा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन बिल, विधेयक कहते हैं जिसको हम। ठीक है, अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, संवैधानिक संशोधन करके हम किसी भी फंडामेंटल राइट के ऊपर, मतलब पार्लियामेंट संसद प्रतिबंध लगा सकती है, और पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होता है ये स्पेशल है, तो ना एक खास तौर की बहुमत चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसके लिए। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 वोटिंग्स आनी चाहिए। हम बात करेंगे मेजोरिटी, सिंपल, स्पेशल, साधारण बहुमत और विशिष्ट, या फिर विशिष्ट बहुमत, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जनरली स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मतलब अगर 300 लोग हैं तो 300 में से 200 लोग हामी भरने चाहिए कि हाँ उस अधिकार को हटाना, प्रतिबंध लगाना जरूरी है। तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब आता है प्रोटेक्टर, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर कौन है, कौन रक्षा करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टर है सुप्रीम कोर्ट। वैसे हाई कोर्ट भी लिखते हैं हम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा माना जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा इसलिए माना जाता है क्योंकि क्लियरली ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 35 में, अनुच्छेद 35 में, हम बात करेंगे उसकी आगे आने वाली वीडियोस में, कि अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकार के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको आपके मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, जो भी आपके पास में हो आप हाई कोर्ट के रास्ते सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। पर यही एक चीज ऐसी है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सीधा बोल सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट को फोर्स करोगे, ये बोलोगे कि भाई मेरी सरकार को बोल दो कि मेरे को ये अधिकार चाहिए, ये मेरा मौलिक अधिकार है, दिलवाओ मेरी ये अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स, लोगों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका कह सकते हो आप, कोर्ट न्यायपालिका भी, ठीक है, न्यायपालिका कह सकते हो आप। अब इसमें एक चीज आ जाती है कि ना ये वाद योग्य है। अब ये वाली चीज इसलिए बतानी जरूरी है मेरे को कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और ये क्वेश्चनेबल है, मतलब ये प्रवर्तनीय है, तो इसलिए मैं ये पॉइंट ऐड कर रहा हूं, ठीक है, मतलब क्वेश्चनेबल
आप क्वेश्चन कर सकते हो अपनी सरकार को, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा हो जाता है कि अभी एग्जाम, जैसे छत्तीसगढ़ में एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं, तो ये हमारा अधिकार है। ठीक है, ये हमारा अधिकार है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हम लोगों को, मतलब रिजर्वेशन, अगर मान लो छत्तीसगढ़ ऐसा बोलती है कि सभी जनरल वालों को, या फिर ऐसा मान लो सभी एसटी वालों को, किसी के लिए भी, कि अब ये जो आगे पटवारी का एग्जाम आ रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ एसटी लोगों को, या फिर कुछ आप लोग ऐसा मान लो सिर्फ और सिर्फ जनरल लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा, आप लोग सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और बोल सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो कि हमारी जो सरकार जो ये कर रही है, ये जो एम्प्लॉयमेंट में अनुच्छेद 16 में बोला जाता है कि जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन सिस्टम, इक्वालिटी बोलते हैं ना, सबकी इक्वालिटी साथ में रहनी चाहिए, पर यहां तो सिर्फ और सिर्फ किसको समर्था किसको मिल रही है, किसका समर्थन हो रहा है, जनरल वालों का मान लो। ठीक है, तो आप जाके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चनेबल हैं, प्रवर्तनीय हैं, वाद्य योग्य हैं, आप उससे वाद विवाद कर सकते हो। ठीक है, बहस कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इन दो के ऊपर, इन दो पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, आ चुका है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज मैं निकाल के दे दिया हूं, इसमें प्री के ऊपर क्वेश्चन, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है, इनको अच्छे से आप लोग नोट्स बना के लिख लें। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जनरल है, मैं ये बस सिर्फ आप ना इंडेक्स बना के लिख सकते हो इसको। ठीक है, इसमें अभी डीप में मत जाओ, और मैं तो कहूंगा कि अभी आप ये आर्टिकल्स याद मत करो। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी साथ ही में हम लोग, अब जो कल जो वीडियो आएगी, ठीक है, कल जो वीडियो आएगी बोर्ड वीडियो, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको याद भी रखना है। ठीक है, और मेन मेन चीजें, जैसे आप बस इतना याद रखो अभी के लिए कि हमारे पास कुल मिला के ये कितनी है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 थीम। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, मैं जानबूझ के लिखा हूं जैसे आपको ये पता रहे कि पहले 7 हुआ करती थी लेकिन अब नहीं। ठीक है, अब ये जो है ये इसको हटा दिया गया है और ये भाग 2 से हट गया है। ठीक है, ये भाग 2 से हट के भाग 12 में पहुंच चुका है। ठीक है, आपको बस ये देखना है, अब ये नहीं है फंडामेंटल, मतलब राइट, ये जो था ना 7, 7 नहीं रहे हैं, अब ये कितने हैं, 6। ठीक है, तो इसको मूव कर दिया गया है, भाग 2 में राइट टू प्रॉपर्टी नहीं आता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने बच रहे हैं, सिर्फ 6। ठीक है, 6 के नंबर देख लेते हैं। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं, सबसे पहले ये समान करता है लोगों को। ठीक है, सबसे पहले ये लोगों को समानता, कि लोग पहले सेम लेवल पे आ जाएं, समानता लाएगा, फिर समानता के साथ में फिर लोगों को क्या करेगा, फ्रीडम देगा, कि स्वतंत्र, अब तुम स्वतंत्र हो। फिर स्वतंत्रता देने के बाद डर ये रहता है कि कहीं कुछ लोग, कुछ ज्यादा बुद्धिजीवी वाले लोग हैं, कहीं वो दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन ना कर दें। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए एक्सप्लॉयटेशन से बचाना भी पड़ता है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के बाद में फिर जो सबसे बड़ी चीज, जो लड़ाई की वजह है, धर्म, धर्म के नाम पे भी फ्रीडम दी गई है वैसे, पर कुछ हद तक, अब लिमिटेशंस भी हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर संस्कृति और शिक्षा के लिए दिया गया है, लास्ट में संवैधानिक उपचार की, अगर चलो बाई चांस कुछ गलतियां हो गई तो उसका संवैधानिक उपचार भी दिया गया है कि वो किस तरीके से सही होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने स्टार्टिंग में भाग 1, फिर भाग 2, फिर अब हम आए भाग 3 पे। भाग 1 में हमने पूरे भारत को बनाया कि मान लो ये भारत है, हमने भारत की जगह पूरा डिसाइड की कि ये इसमें 3 प्रकार के प्रदेश हैं, सब कुछ किस तरीके से बनेगा, मतलब एक तरीके से घर बना है भाग 1 में। ठीक है, फिर घर टूटेगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा, पुनर्निर्मित होगा, वो सब कुछ भाग 1 में है। भाग 2 में हमने ये देखा कि भाई एक समय पे इस भारत के अंदर बहुत प्रकार के लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ किसको पहचानना है, नागरिक लोगों को पहचानना है। तो भाग जो 2 है वो नागरिकों को पहचानना, पहचानने में हेल्प करता है। ठीक है, नागरिकों मतलब सिटीजनशिप बताता है कि कौन है सिटीजन कौन नहीं है। अब एक बार जब नागरिक पहचान में आ गए तो ये होता है अब अधिकार देना है। ठीक है, अब नागरिक जब पहचान में आ गए हैं, ठीक है, मान लो ऐसा सोचो कि कंट्री बनी है, उसी टाइम को सोचो जब 1947 15 अगस्त में कंट्री बनी थी हमारी, तो सबसे पहला दिमाग में क्या होगा, कंट्री को बनाया जाए, फिर कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, उन सभी लोगों को भिन्न भिन्न किया जाए कि कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है। तो सरकार का जो कर्तव्य है वो सिर्फ किसके लिए है, नागरिकों के लिए है, मेन जो कर्तव्य है। तो नागरिकों को किस प्रकार का अधिकार देना है ये डिसाइड हुआ।
ठीक है, तो अधिकार पे बात आ गई। तो अब सबसे पहले एकदम एकदम बेसिक बेसिक जो अधिकार हैं उनके ऊपर काम किया गया। सबसे पहले डिसाइड किया गया कि हम लोग सबसे पहले लोगों को समानता करेंगे, लोगों को समान लाएंगे। मतलब वो सारी चीजें जो किसी दो लोगों के बीच में, मन में या फिर किसी सोसाइटी में सामाजिक तौर पे अगर किसी को अलग अलग करता है, किसी को ये फील करने कराता है अगर कोई चीज कि भाई वो पीछे है सामने वाला आगे है, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है, वो सही से आगे बढ़ नहीं पाता, ग्रोथ नहीं होती, विकास नहीं हो पाता उसको। तो सभी को सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन पे लेके आना है, एक तरीके से एक रेस है, ठीक है, कि इस रेस में ऐसा ना हो कि कोई पीछे से दौड़ना चालू कर रहा है और तुम किसी को आगे से दौड़ा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में ये समानता नहीं है, ठीक है। तो क्या किया जा रहा है, इसको समान लाने के लिए, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सबको एक समान लाइन में खड़ा किया जाए। तो एक रेस में सबसे पहले क्या जरूरी है कि लोगों को क्या कर दिया जाए, समानता, समान किया जाए, ठीक है। समान करने के बाद लोगों को फ्रीडम दी जाए कि अब चलो भागो, ठीक है। अब जब फ्रीडम दी जाएगी तो सबके सब भागने की कोशिश करेंगे। अब जब स्वतंत्रता मिलेगी तो स्वतंत्रता का गलत उपयोग भी होता है। अब स्वतंत्रता का गलत उपयोग यह हो सकता है कि ज्यादा बुद्धिजीवी वाले लोग क्या करेंगे, कमजोर लोगों को, ठीक है, कमजोर लोगों का क्या करेंगे, शोषण करेंगे। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को शोषण करेंगे, महिलाओं को शोषण करेंगे, बहुत सारे। तो शोषण से बचाने के लिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तब इनके दिमाग में आया चलो समानता ले आए, लोगों को समान करने के बाद स्वतंत्रता दे देंगे। स्वतंत्रता जब मिल जाएगी, सब के सब अपने काम में लगेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग तो पॉजिटिव सिर्फ आगे बढ़ने में सोचेंगे, कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढेंगे और शॉर्टकट ढूंढने के लिए दूसरों का शोषण करेंगे। तो शोषण से कुछ लोगों को बचाना होगा, ठीक है, शोषण से बचा लिए तो अब आएगा फ्रीडम, कि धर्म की स्वतंत्रता भी दी जाए, क्योंकि धर्म लोगों को बांध के रखता है। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है, तो धर्म, और ये बहुत, ये ऐसी चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत हैंडल करने की जरूरत थी, क्योंकि धर्म के नाम पे तो लड़ाइयां, बहुत कुछ हो जाता है, बंटवारे हो जाते हैं, ठीक है, तो धर्म को कंट्रोल करने की जरूरत थी। तो शोषण से बचाने के बाद तुरंत जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया हमारा संविधान, कि धर्म को कंट्रोल करना है, कि कितनी स्वतंत्रता दे रहा है। स्वतंत्रता देने का मतलब है वो एकदम रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि भाई इतनी ही स्वतंत्रता है, तुम किसी एक को इतनी स्वतंत्रता नहीं दे देनी है कि वो दूसरे की स्वतंत्रता खत्म कर दे, ठीक है। तो फिर रिलीजन, स्वतंत्रता को फोकस किया गया। इसके बाद जब सभी लोग स्वतंत्र हो गए धर्म के हिसाब से भी, तो उनकी संस्कृति और उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखना है। तो संस्कृति और शिक्षा बाद में, पहले लोगों को समान लाए, उनको अधिकार दो, स्वतंत्रता दो, जब सब लोग भागेंगे तो कमजोर लोगों का शोषण होने से बचाना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, धर्म को, लोगों का शोषण होने से बचाओगे तो फिर धर्म को कंट्रोल करना है। फिर धर्म के बाद में जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि संस्कृति और शिक्षा। यही तो संस्कृति है जो असम जैसे जो वो चार शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल वाले जो स्टेट्स हैं उनको ये ताकत देता है कि CAA वाले लोग एकदम से असम में बोडो हिल जो जगह है वहां नहीं घुस सकते हैं, ठीक है, इसी का तो सपोर्ट ले रहे हैं वो लोग शेड्यूल सिक्स्थ में जो चार स्टेट्स हैं, वो चार राज्य हैं, ठीक है। ये हुआ राइट टू प्रॉपर्टी, ये तो हट गया, इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, आगे आएगा, आगे बात करेंगे। तो जो छठवा, क्योंकि ये तो हट चुका है, तो फिर छठवा जो है कि बाय चांस इन सभी चीजों में अगर किसी में भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो सॉल्यूशन करने के लिए छोड़ दिया गया संवैधानिक उपचार, जो कि करेगा सुप्रीम कोर्ट। याद करो भाग दो, भाग दो में क्या किया जा रहा था, लोगों को सिटीजन है कि सिटीजन नहीं है, नागरिक है कि नागरिक नहीं है, वो पहले बता दिया, और लास्ट में सारी चीजें कहां छोड़ दी, जाके पार्लियामेंट मतलब संसद के गृह मंत्रालय को दे दिया गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोई भी टॉपिक उठाते हैं, उस टॉपिक को पूरा जो उस हिसाब से जो स्टार्टिंग में होगा उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद में पावर दे देते हैं किसी को, और स्टार्टिंग में क्या करते हैं उसके डेफिनेशन बताते हैं। ऐसे ही इसमें भी स्टार्टिंग में क्या होगी, किसी की परिभाषा बताई होगी, फिर कुछ अधिकार दिए होंगे, और लास्ट में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो लास्ट में छोड़ देते हैं कि उसका उदाहरण मतलब उसका सुधारण कौन करेगा, उसके बारे में डिसीजन कौन लेगा। तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट, और भाग दो में गृह मंत्रालय, ठीक है। तो अभी हम लोग ये देखते हैं, इसको मैं मिटा के आपको बस आप ये इंडेक्स बना के रखेंगे और ऐसा लिख लेंगे बस कि जो राइट टू इक्वालिटी है, जैसे 12 और 13 ये तो स्टार्ट करेंगे हम अधिकार, फिर यहां जो 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार देता है,
फिर 18 के बाद 19 से लेके 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है। फिर 23 और 24 इसको याद करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। अगर आपको पहले से याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है याद मत करो याद, ठीक है, क्योंकि जैसे तीन वीडियोस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना बिना टेंशन लिए, अब तो आपको ये सोच के वीडियोस देखो कि आपको अपने कम से कम सारे अधिकार पता होना चाहिए, ठीक है, तो अपने अधिकारों को जानो बस, लास्ट में आपको सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। ये रहेगा 25 से 28, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ये 29 और 30 में मिलेगा, ठीक है। फिर वैसे ये 31 होता है और ये रहेगा आपका लास्ट में 32। फिर 33, 34 और 35 भी स्पेशल है, इनके बारे में हम बात करेंगे, वैसे डिटेल में लास्ट में भी करेंगे और अभी इंपॉर्टेंट को भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग जो फोकस करने वाले हैं वो स्टार्ट करके और पहले अधिकार को पढ़ेंगे इस वीडियो में हम, ठीक है, और जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा डिटेल में जाऊं, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट है एक प्री सीजीपीएससी प्री के लिए मैं वहां तक खत्म करके आपको बता दूंगा कि आप यहीं तक देखो, और अगर आपको डिटेल में जाना है, थोड़े और इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप आगे की वीडियो कंटिन्यू करना। तो चलो देखो, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 19 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 20-21 बहुत इंपॉर्टेंट है, 33, 34, 35 भी हम लोग अभी ही पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखो, आर्टिकल 19 क्यों इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल 19 को हटाया नहीं जा सकता, बस ये समझ लो, 19, 20 और 21 ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पहली बात तो 20 और 21 को तो मॉर्टेलिटी मिली हुई है, मतलब एक तरीके से मॉर्टेलिटी ना बोलूं मैं, ना इसको ऐसा बोलता हूं, इसको मतलब ये अक्षय है, इनको आप खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो ये कभी खत्म नहीं हो सकते, ठीक है, मतलब इनको खत्म नहीं किया जा सकता चाहे नेशनल इमरजेंसी ही क्यों ना लग जाए, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं, कैन नॉट बी वॉइड, वॉइड मतलब नल्ड, इन्हें समाप्त, इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, ठीक ना। पर स्पेशल प्रोविजंस हैं, हर चीज का रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर फिलहाल जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आर्टिकल 20 और 21, क्योंकि क्वेश्चन आपसे सिंपल सा ये पूछ लेगा इमरजेंसी, ठीक है, ये जो आपातकाल जो लगेगा, ठीक है। अब आपातकाल दो टाइप का होता है, एक जैसे मान लो लड़ाई हो रही है, वॉर हो गई है, चाइना से पाकिस्तान से वॉर हो गई है, या फिर मान लो किसी ने हम पे हमला कर दिया है और हमारी जमीनों को ले रहा है, जैसे चाइना ने हमला करके मतलब दूसरे कंट्रीज से लड़ रहे हैं हम लोग, तो इमरजेंसी लग गई है। जैसे कोरोना का समय आ गया तो कोरोना की इमरजेंसी लग गई है, कोरोना की वजह से नेशनल इमरजेंसी है, पूरे देश में इमरजेंसी है, हम इमरजेंसीज पढ़ेंगे। तो ऐसी आपदा, ठीक है, जिसमें पूरे के पूरा देश सम्मिलित हो जाता है, पूरा देश के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसको नेशनल इमरजेंसी कह रहे हैं, शॉर्ट में बता रहा हूं। ऐसे टाइम पे भी 20 और 21 कंटिन्यू रहते हैं और बाकी सारे के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, अभी 20 और 21 हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर आपको कम से कम अभी इतना याद रखना है, 20 और 21 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि राष्ट्रीय आपातकाल भी लग जाए ना तो भी खत्म नहीं किए जाते हैं, तो भी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमारे नागरिकों को ये सारे अधिकार, हमारे मतलब जो मतलब जो भारत में रह रहे हैं उनसे ये दो अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग कभी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, कभी इन्हें खत्म नहीं कर सकते, ऐसा समझो। अच्छा, आर्टिकल 19 नेशनल इमरजेंसी में खत्म किया जा सकता है, ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी हो और एक हो लोकल इमरजेंसी कहता हूं मैं, चलो स्टेट इमरजेंसी भी कह सकता था मैं इसको, ठीक है। तो इसमें ये देखना है, नेशनल इमरजेंसी में हम इसे खत्म कर सकते थे, ठीक है, पर लोकल इमरजेंसी में ये खत्म नहीं होगा, ये लगा रहेगा, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ और उन नक्सलियों ने क्या किया, पूरे छत्तीसगढ़ को कैप्चर कर लिया, पूरे छत्तीसगढ़ में एकदम खतरनाक बहुत मारकाट हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो जब ये पूरे छत्तीसगढ़ में होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा संविधान पूरे भारत से आर्टिकल 19 खत्म करवा दे,
ठीक है। तो ये जो ये जो 19वां मौलिक अधिकार है, जब सिर्फ किसी स्टेट में प्रॉब्लम हो रही हो तो खत्म नहीं होगा, तब ये पूरे भारत में रहेगा। पर यहां पर ऐसी कंडीशन में हम इमरजेंसी लगा के, डायरेक्ट मार्शल लॉ लगा के बहुत कुछ तरीके हैं वो काम कर सकते हैं, वो हम इमरजेंसी के टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 19 क्या है, 19 को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब नेशनल इमरजेंसी हो, ठीक है। जैसे कोरोना का आना, जैसे पाकिस्तान का अटैक करना, जैसे चाइना के लोगों का अटैक करना, ठीक है। तो जब बाहर, जब वॉर कंडीशन हो जाए, ठीक है, जब लड़ाई छिड़ जाए कहीं दूसरे देश से, तो 19 खत्म हो सकता है, लेकिन 2021 खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो बाकी कोई भी मौलिक अधिकार है वो खत्म किया जा सकता है, किसी भी मौलिक अधिकार को खत्म किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 वाले मौलिक अधिकार को सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी, वॉर कंडीशन और इस टाइम पे खत्म किया जा सकता है। पर आर्टिकल 20 और 21, वॉर, नेशनल इमरजेंसी भी हो जाए, राष्ट्रीय आपदा भी हो जाए, तो भी खत्म नहीं किया जाता, ठीक है। इतनी ये चीज आपको याद रखनी है। अब आता है आर्टिकल 33, 34 और 35, इसको छोटा छोटा से आप याद कर लो, ठीक है। आर्टिकल 33, क्योंकि देखो सभी लोगों को उनके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जो अनुच्छेद, जो हमारा अनुच्छेद 33 है, वो कुछ लोगों से मौलिक अधिकार छीन लेता है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग वाले, ठीक है, मिलिट्री वाले, आर्मी वाले, ठीक है, फिर जो डिफेंस फोर्सेस वाले हैं, जितने भी डिफेंस फोर्सेस वाले लोग हैं, उनसे वो अधिकार छीनता है आर्टिकल 33, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो अभी जैसे आपने सुना होगा कि व्हाट्सएप पे बीएसएफ के जवान लोग, उनको खाना अच्छा नहीं मिल रहा था, तो वो क्या कर रहे थे, राइट टू एक्सप्रेशन, अपना 19वें मौलिक अधिकार का यूज करने की कोशिश कर रहे थे। 19वें के अंदर आता है वो, ठीक है, 19वें अधिकार का यूज कर रहे थे, लेकिन अनुच्छेद 33 क्लियरली बोलता है ऐसे लोग जो खुफिया विभाग में हो, मतलब जिसके पास देश की बागडोर हो, देश को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है, जिम्मेदारी हो, देश की बहुत खुफिया जानकारियां हो, ये लोग, ऐसा नहीं है कि भाई तुमको खुफिया जानकारी हो, तुम व्हाट्सएप पे तुम लोगों ने जाके सप्लाई कर दिया पूरा, ठीक है, तो ये आर्टिकल 33 छीन लेगा, ऐसे लोगों को नहीं देगा, जो लोग भी देश के बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, खुफिया विभाग, ये डिफेंस फोर्सेस यहां जो काम कर रहे हैं, उनको मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसा अनुच्छेद 33 बोलता है, ठीक है। वरना कल को अगर लड़ाई लगी और हमारे यहां पे बैठे हुए, मतलब कुछ लोग अगर छुट्टी पे आए हैं, ठीक है, अब छुट्टी भी, छुट्टियां रद्द हो जाती हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मान लो आपका भाई आर्मी में, वो छुट्टी पे आया है, ठीक है, पर लड़ाई लग गई, लड़ाई लगने के बाद अब उसको अधिकार है कि वो छुट्टी पे आया है तो छुट्टी सैंक्शन हो रही है, लेकिन आर्टिकल 33 लगा, इसकी वजह से आपकी छुट्टियां भी रद्द की जाएंगी, आपको जो अधिकार है कि आपको छुट्टी मिलेंगी वो आपके गवर्नमेंट के हिसाब से रहता है, वो सब कुछ रद्द होने के बाद आपको वहां पे वापस बुलाया जाएगा और आप कोई चूं चाहे कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में केस नहीं कर सकते, कोर्ट सुनेगी ही नहीं, सीधा बोल देगी बेटा तुम डिफेंस फोर्स में हो ना, अनुच्छेद 33 जाके देख लो, नहीं बच सकते, जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोई खुफिया विभाग वाला भारत की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है किसी से, तो वो भी अनुच्छेद 33 से उसके सभी इन अधिकारों को छीन लेता है। तो अनुच्छेद 33 ने इन लोगों से, किन से, खुफिया विभाग और डिफेंस फोर्स में काम करने वाले लोगों को मौलिक अधिकार नहीं होते हैं, ये अनुच्छेद 33 बोलता है। अनुच्छेद 34 मार्शियल लॉ लगाने के लिए बोलता है कि अगर कोई भी ऐसी जगह जहां पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है, जिस जगह को भारतीय सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो वहां पे मार्शियल लॉ, मार्शियल लॉ का मतलब है यहां पे सीधा मिलिट्री रूल, ठीक है, सैन्य राज आ जाएगा, यहां पर सीधा क्या आ जाएगा, सैन्य राज स्थापित कर दिया जाएगा। और सैन्य राज का मतलब है कोई ऐसी चीज जो सेना से कंट्रोल नहीं हो रही है, वो सीधा गोलियां चलाते हैं, ठीक है, अगर सेना से कंट्रोल नहीं होगी, वो लोगों को गोली चलाने का अधिकार है, वो सब कुछ कर सकते हैं और उनके ऊपर केस भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरीके से मार्शल लॉ लगना ही मतलब आपके सारे अधिकार छिन गए, मार्शल लॉ एकदम स्पेशल कंडीशन है यहां से, यहां तो फिर ऐसा है कि आपका 20 और 21 भी खतरे में पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि मार्शल लॉ लग गया मतलब किसी के जहां पे लगा है वहां कोई मौलिक अधिकार नहीं होगा, ठीक है। और मार्शल लॉ ऐसे हिस्ट्री में, अभी इंडियन हिस्ट्री में फिलहाल अभी इतना कोई खास मार्शल लॉ हुआ नहीं है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हुआ है तो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगी है जिसके अंदर
आर्टिकल 19, बाकी सब तो हुए, आर्टिकल 19 भी खत्म हो गया, लेकिन 20 और 21 को रखा गया था। तो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि आर्टिकल 20 और 21 अभी तक इंडियन हिस्ट्री में खत्म नहीं किए गए थे कभी भी, ठीक है, निलंबित नहीं किए गए थे। तो मतलब प्रेसिडेंट को इनकी टेंशन अभी नहीं हुई थी। चलो 35, जैसा कि हमने बताया था कि 35 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो जाते ही है, साथ में ये एक और चीज बोलता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, जो हमारा राज्य, हर राज्य की जो, ठीक है, जो ये राज्य की जो असेंबलीज हैं, जो सभाएं हैं, जो विधानसभा विधान परिषद जो होते हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसको याद रखना। विधान परिषद कुछ राज्यों में है, कुछ में नहीं है, विधानसभा, इनको हक नहीं है, मतलब स्टेट लेवल पे जो स्टेट असेंबलीज होती है ना, इनको हक नहीं है लॉज बनाने का, कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कानून बनाने का जो कि मौलिक अधिकारों को छेड़छाड़ करे। तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि मौलिक अधिकार अभी हमने पढ़ा है, मौलिक अधिकारों का संशोधन, उनको बनाना, उनको छेड़ना सिर्फ किसके हाथ में है, कोई डिसीजन जो लेना है संसद के हाथ में है, और संसद सेंट्रल लेवल केंद्र सरकार के अंडर में, ये समझ लो केंद्रीय स्तर पे होगा, ठीक है, राज्य स्तर पे ये काम नहीं किया जाता। मौलिक अधिकार का कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट केंद्र लेवल, ठीक है, आपको कहां पहुंचना पड़ेगा, पार्लियामेंट, संसद में। तो अगर छत्तीसगढ़ में हम लोग चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं करना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार चाह रही है कि सबको कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, एससी एसटी ये कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, जो अभी 59.5% का रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस मिला के, ठीक है, ये बोल रहा है कोई रिजर्वेशन नहीं, सबको समान समानता के साथ में आप एग्जाम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भूपेश सरकार नहीं कर सकती। इसके लिए हाँ ये सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, सजेशन देने के बाद संसद विचार करेगी इसके ऊपर, क्योंकि ये कोई भी संशोधन और कानून बनाना भाग तीन से रिलेटेड राज्य स्तर पे नहीं हो सकता, इसको संसद स्तर पे ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको इतनी बेसिक चीजें पता होनी जरूरी थी। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं, तो हम लोग अब जो प्री में जो फंडामेंटल जो क्वेश्चन जिनसे सॉल्व हो जाएं, तो हमको ना बेसिक पता होना चाहिए। तो जैसे कि आपको बताया था मैं कि हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे, जैसे ये 12 और 13 ये तो बेसिक है, उसके बाद 14 से लेके 18 तक ये हमको समानता दिखाएगा, ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तो 12 में क्या है, पहले हम 12 को देख लेते हैं। 12 ना परिभाषा बताता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे सिंपल इस तरीके से कि ये राज्य की परिभाषा बताएगा, मतलब डेफिनेशन ऑफ स्टेट, की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये स्टेट मतलब ये नहीं कि छत्तीसगढ़ स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बोलता है कि तुम्हारे, अगर हमारे यहां पर भिलाई स्टील प्लांट भी है ना और वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है, तो भिलाई स्टील प्लांट भी एक स्टेट है। अगर कोई, मान लो मेरी कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है और मैं एनआरसी वाला काम, वैसे एनआरसी वाला मैं नहीं करूंगा, मान लो मैं स्वच्छता अभियान वाला कुछ सर्वे करने के लिए आ रहा हूं, ठीक है, और मेरे को ये जो प्रोजेक्ट है वो मिला गवर्नमेंट से है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वच्छता मैं सर्वेक्षण करने के लिए आया हूं, तो मेरे, मैं भी एक स्टेट हूं, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी एक स्टेट हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो ना स्टेट की डेफिनेशन क्लियर होनी जरूरी है, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझो, परिभाषा, राज्य की परिभाषा बताता है 12वां अनुच्छेद। फिर 13वां अनुच्छेद क्या करता है, 13वां अनुच्छेद यह बोलता है कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों के ऊपर कानून बना तो सकती है, ठीक है, संसद की एक तरीके से सीमा निर्धारित की गई है, ठीक है, और वो ये बताता है कि करना कैसे है, और सीमा निर्धारित है कि कहीं ऐसा कानून मत बना देना कि तुम मौलिक अधिकार का ही जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक एकदम मूल संरचना है मौलिक अधिकार की, संविधान की, उसको हानि ना पहुंच जाए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो पहले से चले हुए, जैसे हो सकता है, जैसे संविधान में यह देखा जा रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, जैसे बहुत पहले ऐसा होता था, सती वाला सिस्टम होता था, तो ये कुछ पर्सनल लॉस थे, हम हिंदुओं के कुछ पर्सनल लॉस थे कि भाई जिसका पति खत्म हो जाए उसको सती हो जाना चाहिए। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है, मतलब पार्लियामेंट, संसद चाहती है कि भाई कुछ तो करना चाहिए यार, ये चीज सही नहीं है, तो वो मौलिक अधिकार का वो अमेंडमेंट, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, विशिष्ट बहुमत के साथ में 2/3 वाला, ठीक है,
उसके साथ में इस अधिकार को एक ऐसा कानून, फंडामेंटल राइट, एक ऐसा कानून ला सकते हैं कि वो सती प्रथा को बंद करवा दे, ये काम कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई सती है, ठीक है, अब मतलब एकदम फंडामेंटल राइट नहीं खत्म हो जाना चाहिए, कहीं वो ऐसा नहीं बोले कि भाई सती है इसको हम मार ही देते हैं, मतलब मार दो, किल कर दो, किल हर, ऐसा वाला कानून मत बना देना, क्योंकि भाई जीने का अधिकार है उसको, खुद की बातें रखने का अधिकार है, तो ये ना उसके कहीं मौलिक अधिकार ना खत्म कर देना। ऐसा कोई नया कानून मत लेके आ जाए संसद जो कि प्रीवियस, क्योंकि सबको पता है समय बदल रहा है, तो पुराने कुछ ऐसे नियम है जिसमें मौलिक अधिकारों को नहीं देखा जाता था, तो ऐसे कानून बनाओ कि जिसमें मौलिक अधिकार दिखे, बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आए कि हाँ लोगों को जीने का अधिकार है, लोगों को मतलब बहुत सारे मूलभूत अधिकार दिए जा रहे हैं, पर कुछ ऐसा कानून मत लेके आ जाना जो सब कुछ ही खत्म कर दे कि भाई तुम सती को मारने ही लगो प्रॉब्लम से बचने के लिए। ठीक है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। तो ये जो संसद की कि किस प्रकार के कानून आएंगे उसकी सीमा निर्धारित करवाता है आपका अनुच्छेद 13। ठीक है, इसी प्रकार 14 ये बोलता है, इसको मैं सिंपल सा लिखूंगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का कानून के समक्ष समानता, इसको सिंपल मैं ऐसा बोल रहा हूं, कानून के समक्ष समानता, और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कानून का समान संरक्षण, सभी लोगों को समान संरक्षण होना चाहिए, ऐसा बोलता है हमारा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। अब आता है अनुच्छेद 15, ये पूरा रिजर्वेशन के ऊपर है, अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये है नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, किसके आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, सेम इसमें तो मेन चीज धर्म को लेके आ गया, आप धर्म के आधार पे नहीं कर सकते हो, आप रिलीजन मतलब जाति के आधार पे नहीं कर सकते हो, वंश के आधार पे नहीं कर सकते हो, लिंग के आधार पे नहीं कर सकते हो, जन्म स्थान के नाम पे नहीं कर सकते हो, तो भेदभाव नहीं करना। यहां पे अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, तो यहां अवसर, समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी यहां पर, बाकी भेदभाव ना हो, सबको समानता रखी जाए। तो एक चीज देख रहे हो आप, सब में समानता है, 14 से लेकर 18 तक समानता। ठीक है, कानून के सामने सब लोग समान हैं, भेदभाव ना हो, सबको समान समझा जाए, समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है, फिर 17वां ये बताता है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे लोगों में, अब इंडिया में चल ही रहा था कि छुआछूत वाली प्रॉब्लम, ठीक है, तो छुआछूत वाली प्रॉब्लम को हटाना था, तो मतलब लोगों को समान बनाना है। 18 में टाइटल्स जो होते थे कि टाइटल्स को खत्म कर दिया जाए, ठीक है, टाइटल एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स को खत्म करना, कहीं ऐसा ना हो जैसे पहले जो दिए जाते थे कि जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, ये जमींदार, ये टैग की वजह से क्या होता था, लोगों का शोषण होता था, लोग झुक जाते थे, ठीक है, साइकोलॉजिकली लोग झुक जाते थे, तो उसको बचाने के लिए सारे टाइटल्स खत्म कर दिए गए, तो सबको क्या कर दिया, सबको समान। तो 14 से लेके 18 तक समानता दी गई है। ठीक है, इसको एक बार और देखें और इसको फिर आप यहां पे खत्म कर सकते हैं। 12 में क्या राज्य की परिभाषा है, राज्य है क्या, तो राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है, कि राज्य क्या होगा। 13 संसद की जो ये लिमिटेशन है, संसद की लिमिटेशन, संसद की सीमा निर्धारित की गई है कि संसद कोई भी कानून, मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी कानून जब निकाले तो उसको निकालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, और वो कानून जब बने तो वो कानून मौलिक, जो मूलभूत जो मौलिक अधिकार हैं उनसे छेड़छाड़ ना करे, बस उसके हिसाब, उसको कहा गया है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 14 में बोलता है कि कानून के समान सभी के सभी क्या है, समान समान है सभी, और सभी को कानून का समान संरक्षण है। ठीक है, फिर भेदभाव ना हो, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर, धर्म के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, तो उनको समान करना है। ठीक है, फिर अवसर समान मिलने चाहिए, फिर अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता वो हटाना है, उसके बाद में फिर टाइटल्स भी हटाने पड़ेंगे। तो आप ना इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, और अगर आपको इतना याद हो गया है तो आप इस लेक्चर को 45 मिनट्स तक देख के आप बंद कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद मैं करने वाला हूं पूरा, जितना भी थोड़ा डीप में अगर हम जाना आप जाना चाहते हो तो डीप में अगर जाना चाहो तो आगे वीडियो कंटिन्यू देखना। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और लास्ट में मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा पूरा समराइज करूंगा, आपको वो वाला याद रहेगा।
इसके लिए ये आपको खुद करना पड़ेगा अब, ठीक है। चलो तो हम आते हैं सबसे पहले आर्टिकल 12 पे। तो आर्टिकल 12 बोलता है, अगर आपको याद होगा अब, ठीक है, आर्टिकल 12 बोलता है क्या, परिभाषा। आर्टिकल 12 से हमें परिभाषा पता चलेगी, मतलब डेफिनेशन, ठीक है, किसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो इतना पहले याद करो कि आर्टिकल 12 में एक स्टेट की डेफिनेशन है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है स्टेट क्या है, राज्य है क्या, राज्य एक सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार कुछ लोगों पे राज शासन कर रही है, तो केंद्र सरकार भी राज्य है, ठीक है, कोई राज्य सरकार है वो भी राज्य है, कोई भी गवर्नमेंट सरकारिक, कोई भी सरकारी संस्था राज्य है, उसको भी राज्य बोला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके पास, जिस कंपनी में हमारी सरकार का 50% से ज्यादा शेयरिंग हो, वो भी सरकार है। फिर कोई भी प्राइवेट निजी कंपनी, ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी, अब जैसे इस कंपनी में मैं एग्जांपल दूं तो ONGC हो गया, बहुत सारे PSUs होते हैं ना, नवरत्न, महारत्न, ये सारी कंपनियां, ये भी सरकार हैं, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, LIC हो गया, SBI हो गया, ये सभी के सभी, इनको भी राज्य की डेफिनेशन में रखा गया है। अच्छा, यहां तक कि प्राइवेट कंपनियां भी हैं, ये आपको मेन चीज ये याद रखनी है, ठीक है। ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन होगा जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी जो कि गवर्नमेंट से लिए गए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हो, उनको भी राज्य की डेफिनेशन में रखा गया है, ठीक है। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी जो कि गवर्नमेंट, सरकारी परियोजनाओं का कॉन्ट्रैक्ट लेके काम कर रही हो, वो भी राज्य में आएंगी, ठीक है। तो फिर से एक बार बता रहा हूं, आर्टिकल 12 बोलता है कि राज्य की परिभाषा बताता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सारी की सारी सरकारी संस्थाएं, ऐसी सभी कंपनीज जिसमें 50% से ज्यादा शेयर हो गवर्नमेंट का, जैसे सभी PSUs, पब्लिक सर्विस जो हमारे यूनिट्स हैं, जैसे देखते हैं महारत्न, नवरत्न, सारी कंपनियां, बैंक, SBI, LIC, सब, कोई भी प्राइवेट कंपनी भी जो कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हो, वो भी, तो ये सभी के सभी राज्य में आती हैं। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 12 क्या करता है, राज्य की परिभाषा बताता है। अब आपको पता होना चाहिए किस किस को राज्य बोला जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 है अल्पीकरण पे, अल्पीकरण, आप इसको लिख लो हिंदी में अल्पीकरण, नहीं तो डेरोगेशन, ठीक है। अब इसके लिए आप याद रखो कि मान लो कुछ प्रीवियस लॉज हैं, कुछ पर्सनल लॉज हैं, मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, जैसे सती वाला, ठीक है, कुछ ऐसे कानून चल रहे हैं, जैसे हिंदू कानून अलग चलते हैं, शिया कानून अलग चलते हैं, फिर मुस्लिम के कानून अलग होते हैं। तो बहुत पहले, मतलब संविधान जब तक नहीं बना था, अब तो संविधान बन गया ना, तो संविधान, क्योंकि देखो हमारी जो समाज में, हमारा समाज बहुत पहले का है, समाज बहुत पहले से बना हुआ है, तो समाज जब से रहना हम लोग चालू किए हैं तभी से कुछ ना कुछ कानून हम लोगों ने अपने आप से बना लिए हैं, ठीक है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराएं और पता नहीं किस किस के नाम से चलती हैं, ठीक है। पर संविधान जब बन गया है तो 13वां अनुच्छेद है, क्योंकि 13वें अनुच्छेद ने जो संविधान का जो संशोधन या फिर नए कानून बनेंगे उसका जो हक है वो किसको दिया हुआ था, वो दिया हुआ था पार्लियामेंट को, यानी कि संसद को, ठीक है। केंद्र में जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसको ये हक है, उसको ये अधिकार है। पर ये संसद क्या करती है, पुराने कुछ लॉज या फिर पुराने जो टूटे फूटे जो लॉज हैं, जैसे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, तो कोई भी ऐसे कानून, जैसे ट्रिपल तलाक वाला था, ठीक है, ट्रिपल तलाक वाला हो गया, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ट्रिपल तलाक वाले प्रॉब्लम था क्योंकि उन लड़कियों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई 3 बार तलाक
तीन तरह के अलग अलग प्रकार के तलाक हैं, ठीक है, उनकी वजह से उनके मौलिक अधिकारों का हानि हो रहा था। अब वो तो था किसका, वो तो था मुस्लिम लोगों का। तो ये जो संविधान वाले लोग हैं, ये क्या किए, जो संसद में बैठे हुए जो लोग हैं, इन लोगों ने इस कानून को देखा और ये देखा कि भाई मुस्लिमों में ये प्रथा गलत है, ठीक है, कि एक वो बिचारी वो लड़की का तो पूरा जीवन ही खत्म हो जाता है, उससे फिर कोई शादी भी नहीं करेगा, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको बचाने के लिए तीन जो प्रकार के तलाक थे, उसमें से जो तीसरा जो प्रकार का तलाक है, जिसमें आगे बात करूंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है ये, ठीक है, तो उस तलाक को खत्म किया है। ट्रिपल तलाक खत्म नहीं हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ट्रिपल तलाक खत्म नहीं हुआ है। ट्रिपल तलाक का जो तीसरा रूप था तलाक का, वो खत्म किया गया है, ठीक है। तो पुराने चल रहे रूढ़िवादी परंपराएं जो थी, उनके उस नियम को संसद अगर संशोधन करे और कानून पारित कर दे, कानून निकाले, तो ऐसे ही कानून निकले जो कि किसी के मौलिक अधिकारों को हानि ना पहुंचाए, कहीं कुछ ऐसा कानून ना बन जाए जो किसी एक को संभालने के लिए, किसी एक सोसाइटी के किसी एक पार्ट को संभालने, मतलब उसको मौलिक अधिकार दिलाने के लिए किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों को खुलवा दे, ठीक है, वो नहीं हो सकता। वरना कल के दिन जैसे संसद में SC ST बिल आया था, संसद ने मान लो एक बिल पास कर दिया कि 90% पूरे के पूरे वुमेन होंगी, मान लो, अब इसको कोई पर्सनली मत लेना, उन 90% वुमेन होंगी। अब वुमेन लोगों का रहता है कि भाई आज बहुत हो गया, बहुत समय से हम दबे हुए हैं, अब तो सब कुछ हम ही राज करेंगे, कहीं ऐसा कानून ना निकाल दे कि भाई आज के बाद कोई भी गवर्नमेंट जॉब इलेक्शन सब कुछ हर किसी में 100% सिर्फ और सिर्फ वुमेन का ही रिजर्वेशन होगा, तो फिर हम लोगों के लिए डरने वाली बात है। तो इसीलिए ना आर्टिकल 13 में ये साफ तौर पे बोला गया है कि अगर संसद ऐसा कोई कानून निकाल रही है, ऐसा कोई संशोधन हो रहा है, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा और इस कानून को नल यानी कि वॉइड मतलब अमान्य कर देगा, ठीक है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट पावर है कि बेटा इसमें आ जाना तुम, वरना ना अपना इंडिया बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ये तो फिर पुरुष प्रधान तो वैसे ही नहीं है, पहले था, फिर ये महिला प्रधान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बचाने के लिए, तो समझना इस चीज को, तो जो अनुच्छेद 13 है वो अल्पीकरण, ठीक है, डेरोगेशन, और भी इसमें वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है, इसमें असंगत, कि कुछ भी ऐसा असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट, कुछ ऐसा कानून ऐसा लॉ ना निकल जाए जो कि इनकंसिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट्स से, फंडामेंटल राइट्स किसी और के हानि हो रहे हो। तो यहां पे सभी, क्योंकि भाई हम आदमी लोग भी मानव, मतलब समझ रहे हो ना, हम भी ह्यूमंस हैं, हमारे राइट्स ना खत्म हो जाएं, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी समाज के एक वर्ग को मौलिक अधिकार देने के चक्कर में दूसरे के मौलिक अधिकार छिन जाएं। तो इसको संभालते हुए सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है, तो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट पे आ सकता है कि वो कौन है, मतलब अनुच्छेद 13 में, मतलब या फिर ऐसा क्वेश्चन देखें कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद के द्वारा पारित किया गया कानून के ऊपर अल्पीकरण, डेरोगेशन या फिर इनकंसिस्टेंट के नाम से उनके निकाले हुए कानून को रद्द किया जा सकता है, लॉ को सीधा वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो 13 कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। क्या देख के करेगा, वो ये देख के करेगा कि कहीं एक वर्ग के कानून मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए दूसरे वर्ग के ना क्लियर हो रहा हो। वैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए ना इस केस में अगर देखा जाए, आप लोग याद रख लो बस, केशव नंद भारती, इसको लोग जरूर याद रखते हैं, ये एक केस था बस, केशव नंद भारती वाला केस, इसको याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे ऐसा बोला गया था कि कोई कानून निकल रहा था, उस टाइम पे केशव नंद भारती का जो केस था, उस टाइम पे कानून निकल रहा था और कानून पूरा निकल चुका था, संसद ने बना दिया था, ठीक है, पर उससे किसी एक वर्ग का नुकसान हो रहा था, उनके मौलिक अधिकार छीन रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट सीधा आया और अच्छा, उस टाइम पे संसद यह बोलती है कि हमने तो अमेंडमेंट संशोधन निकाला है, संशोधन को थोड़ी ना आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पहले बोला गया था आप सिर्फ किसी ना किसी लॉ को या कानून को आप रद्द कर सकते हो, आप किसी संशोधन को रद्द नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो तब से जब ये केशव नंद भारती का केस ये था, इसके मतलब 1973 का केस है ये, इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी ऐसा संशोधन, क्योंकि भाई संशोधन आगे जाके कानून बनेगा ना, ठीक है, कानून मतलब वो माना तो जाएगा, तो उस संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, और अपनी डेफिनेशन को थोड़ा चेक करके क्लियर किया था। तो याद रखना, केशव नंद भारती का केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट उसके बाद से संशोधनों को भी रद्द करने की पावर रखने लग गई है, ठीक है।
और ये जो डेफिनेशन है केशव नंद भारती का केस इसमें फेमस हो गया था। ठीक, तो वैसे इतना डीप में नहीं जाना है, आपको बस सिर्फ इतना रखना है कि आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13 के हिसाब से संसद किस प्रकार से कानून बना सकता है। अच्छा, अगर कानून असंगत हो फंडामेंटल राइट्स से, इनकंसिस्टेंट हो, तो कौन आके उस केस को, मतलब उस लॉ को खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए 13 के हिसाब से, 13 के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 14। तो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 14 ये बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता। दो चीजें बोलेगा, ठीक है, कानून के समक्ष समानता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून का समान संरक्षण, दोनों चीज आर्टिकल 14 में क्लियरली बताई गई हैं। तो देखो, जो ये वाला पार्ट है वो लिया है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से, और ये वाला जो पार्ट है वो लिया गया यूएसए से। अब आपको बस ये याद रखना है, ज्यादा अच्छा ये है, ठीक है, इसमें हम ज्यादा रीजनिंग नहीं करेंगे, बस आप इतना याद रख लो कि कानून का समान संरक्षण ये ज्यादा सही है, कानून के समक्ष समानता ये इतना ज्यादा सही नहीं है, लेकिन तब भी लिखा गया है। ये थोड़ा नेगेटिव सेंस देता है, ये है पॉजिटिव, इसीलिए बोला जाता है कि जो भाग 3 है उसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने यूएसए से लिया गया है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, अब आता है ये जो आर्टिकल है, ये कुल, ये सिटीजन्स के लिए, नागरिक के लिए भी वैलिड है और फॉरेनर्स के लिए भी वैलिड है, ये सभी के लिए वैलिड है। इसके लिए ना मैं आपको एक चीज बता देता हूं इससे बचने के लिए, अगर क्वेश्चन आता है तो 19, 20, 29 ऐसा याद करते हैं। ये वो अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलेंगे, बस इतना याद रखना, भारतीय नागरिक को जो अधिकार मिलेंगे वो इतने हैं, 15, 16, 19, 29, 30। बाकी सारे के सारे फॉरेनर्स को भी मिल जाते हैं, मतलब अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, जैसे अक्षय कुमार, मान लो अक्षय कुमार को सब मिलेंगे, लेकिन अक्षय कुमार को ना ये 15, 16, 19, 29, 30 में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, अभी की कंडीशन में। तो अब एक चीज देखते हैं, अब यहां पे जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अपवाद पर, जो हमें सबसे सही तरीके से देखने हैं। अपवाद ये है, तो पहली चीज तो आप ये याद कर लेंगे, ठीक है, फिर आपको ये समझना है कि ये दो चीजें बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सभी लोग कानून के सामने सभी के सभी समान है, और इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समान, मतलब कानून का समान संरक्षण। अब ये इसलिए हाईलाइट हो गया, जो हम लोगों ने CAA पढ़ा है उसके अंदर मुस्लिमों के लिए नहीं है, मुस्लिमों को कम से कम 12 साल का इंतजार करना पड़ता है, और जो हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं उनको 6 साल, इनको 11 साल के बाद अपील लगाने के बाद 1 साल, और जो CAA पाकिस्तान, CAA बाप, ये ऐसे रख सकते हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहां से ये तीन कंट्री के जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको 5+1, 5 साल रहना, 1 साल रजिस्ट्रेशन, कुल मिला के 6 साल में ये काम हो जाता है, ठीक है। तो 11 की जगह 5 में संशोधन किया गया। अब हाँ, पिछले वीडियो में चेक कर लेना, मैंने 11 की जगह 6 बोला था, वो असल में 6 टोटल है, तो 11 की जगह 5 हो गया है अभी 2019 का संशोधन जो हुआ है। हाँ, तो चलो, तो ये मुस्लिमों के लिए, ये बाकी लोगों के लिए, तो ये समान कहां हुआ, कानून के समक्ष समानता कहां हुई है, इसीलिए आर्टिकल 14 अभी इनवैलिड चल रहा है, मतलब इनवैलिड नहीं, इनसाइंटिफिक चल रहा है। और अभी भी कल ही परसों की न्यूज में अमित शाह ने बोला है कि CAA का अभी और अमेंडमेंट होगा, बहुत सारे अभी कमियां हैं अभी भी इसके अंदर, ठीक है। तो चलो अपवाद देखते हैं, अपवाद ये कि राष्ट्रपति के लिए और गवर्नर के लिए प्रोटेक्शन दिया गया है, ये दोनों समान नहीं होंगे। प्रेसिडेंट आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 71 से, ये आपको याद रखना है, और 162 से राज्यपाल, ठीक है। तो जो राज्यपाल है, जब तक कोई इंसान, कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पे है, गवर्नर की पोस्ट पे है, उसको वो लॉ के सामने समान नहीं रहेगा, वो कानून के सामने, मतलब एक आम आदमी के जैसा व्यवहार नहीं होगा राज्यपाल के साथ,
ठीक है, जब तक वो उस पोस्ट पे है। राष्ट्रपति को ये जो अधिकार मिला है, ये जो पावर मिली है, वो 71वें अनुच्छेद से मिली है, और राज्यपाल को 162वें अनुच्छेद से मिली है। अब इन दोनों को, मतलब अगर कोई इन दोनों पोस्ट पे है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो मर्डर भी कर दे, मान लो मृत्यु कर दे, मर्डर कर दिया किसी ने, रामनाथ कोविंद जाके मर्डर कर देते हैं, ठीक है, तो उनको कुछ नहीं होगा जब तक वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है। तो उसके बाद में भले ही आप, अगर प्रूफ मिल रहा है, आप इंपीचमेंट करवाओ, आप उनको हटवाओ, जैसे ही वो कुर्सी छोड़ के बाहर निकले, क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट के ऑफिस से बाहर निकल गए, ठीक है, तो जैसे ही राष्ट्रपति के ऑफिस से बाहर निकले, पकड़ लो, अभी आम आदमी बन गए, अब अच्छे से दे दो उनको सजा। तो इसीलिए याद रखना है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को यह शक्ति मिलती है कि जब तक वो पोस्ट पे हैं तब तक उनके अगेंस्ट क्राइम का केस नहीं चल सकता, ठीक है। प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को 71वें और राज्यपाल को 162वें अनुच्छेद से ये शक्तियां मिली हुई है, ठीक है, जब तक वो ऑफिस में है। अगर करवाना है उनको सजा, सही में बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा प्रूफ मिल गया, तो उनको निकलवाओ, इंपीचमेंट करवाओ, बाहर निकलवाओ, और निकलने के बाद सजा दे दो, ठीक है। हाँ, लेकिन पेनल्टीज लग जाती हैं, कुछ कुछ फाइन फाइन लग जाते हैं, पोस्ट में रहते ही पेनल्टीज लग सकती हैं, ठीक है, तो ये हमको ध्यान देना है। अब एक चीज और देखते हैं, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमको अभी, हम लोगों ने अभी आर्टिकल 31 सी पढ़ा नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखो, आर्टिकल 31 सी, आप ऐसा नोट्स बना लेना, आर्टिकल 14 से बड़ा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये बात लिखा है। 31 सी अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, जब आएगा टाइम तब पढ़ेंगे, कि 31 सी के आ जाने से अनुच्छेद 14 इनवैलिड हो जाता है, ये दोनों साथ साथ नहीं रहते हैं। बस आपको अभी फिलहाल, अभी मैं ज्यादा गुमराह नहीं करना चाह रहा हूं, ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ 18 तक सेंस अपना बेसिक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, तो 31 सी बस याद रखो, 31 सी ज्यादा पावरफुल है। 31 सी में कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि 14वें को खत्म कर सकती है, 31 सी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इसमें और कौन सी चीजें, और किस पे नहीं लग सकता, फॉरेन एम्बेसडर्स पे नहीं लग सकता, जो राजदूत होते हैं, ठीक है, जो राजदूत होते हैं, जो यूएन में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर भी नहीं, ठीक है। तो मतलब यूनाइटेड नेशन, जो ये राष्ट्र संघ जो पूरा देशों का बन के मिला हुआ है, यूनाइटेड नेशन, और फॉरेन एम्बेसडर्स, ठीक है, राजदूत जो होते हैं, जो बाहर के विदेशों के, विदेशी जो राजदूत होते हैं भारत में, और भारत में यूएन, यूनाइटेड नेशन के जो कर्मचारी हैं, वो ऑफिसर्स, कर्मचारी, इनके ऊपर भी सेम चीज याद रखना, इनके ऊपर भी जब तक ये लोग पोस्ट में है क्रिमिनल केसेस नहीं चलेंगे इनके लिए। हम, वो बात अलग है कि फिर हम लोग जिस कंट्री से ये ताल्लुक रखते हैं वहां पर जाके इनकी कंप्लेन करेंगे, वो लोग देखेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, लेकिन हमारे भारत में, हमारे भारतीय कोर्ट में इनके लिए केस नहीं चलेगा। हाँ, पर अगर वो पोस्ट से हट गए, मान लो उनकी कंट्री ने डिसाइड किया, मान लो कोई आता है और हमारे, मान लो अमेरिका का कोई राजदूत है यहां पर, ठीक है, मान लो उसने मर्डर कर दिया, हमको उसका प्रूफ मिल गया, तो हमने सीधा वहां कंप्लेन कर दी, मान लो उसको वो सही में उनकी कोर्ट ने उसको उस पोस्ट से हटा दिया, तो वो फिर हम डिमांड करेंगे और हम उनको फिर कोर्ट में सजा दे पाएंगे, पर जब तक वो पोस्ट पे है तब तक नहीं। तो आपको समझ में आया, पोस्ट किन किन पोस्ट पे नहीं लगता, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, राज्यपाल गवर्नर की पोस्ट पे, फॉरेन एम्बेसडर्स, यूनाइटेड नेशन के वर्कर्स, इतनी पोस्ट पे क्रिमिनल केसेस नहीं लग सकते, ठीक है। चलो, ये चीज याद रखनी है, और एक चीज याद रखनी है, 31 सी प्रीडोमिनेट्स ओवर आर्टिकल 14। 31 सी का जो अनुच्छेद 31 सी है वो 14वें अनुच्छेद को कमजोर कर देता है, मतलब अनुच्छेद 31 सी के सामने 14वां अनुच्छेद नहीं चलता, बस इतना याद रखना है। तो आर्टिकल 14 इंपॉर्टेंट है, इतना डिटेल में जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अभी हाईलाइटेड है ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल 15। अब जो ये अनुच्छेद 15 है ये बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये तो बहुत ही ज्यादा चल रही है, अभी हम डीप में देख रहे हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब ना तो कोई गवर्नमेंट, ना तो कोई सरकार और कोई पब्लिक आयोग, ठीक है, पब्लिक में किसी का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस बेसिस पे, ठीक है, किन किन बेसिस पे, पांच चीजें लिखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, धर्म, रिलीजन, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, वंश के आधार पर नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए,
और जन्म स्थान के आधार पे नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई अगर कश्मीर का यहाँ आ गया या फिर कोई केरला से यहाँ पर आ गया तो आप कि केरला का है इसको पोस्ट दे देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट में नहीं चलेगा ये, प्राइवेट में चल जाता है स्कूल्स में कि भाई अगर तुम केरला के अगर टीचर हो तो तुमको माना जाता है तुम बहुत अच्छे इंग्लिश के टीचर हो, ठीक है। और अगर तुम छत्तीसगढ़ी हो तो तुम इंग्लिश के टीचर अच्छे नहीं बन सकते। तो यहां पर ये भेदभाव चलता है, ठीक। लेकिन पर ये गवर्नमेंट स्कूल में नहीं चल सकता। अगर चल रहा है किसी के साथ, जाओ, आपके मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15 का खंडन हुआ है, आप कहां जाओगे? सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ। भरोसा है तो हाई कोर्ट के रास्ते भी जा सकते हो, नहीं तो आप सीधा, आपके पास ताकत है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो अधिकार तो पता होने चाहिए अपने। अच्छा, अब यहां पर एक चीज आती है, यहां पर फिर से एक अपवाद आता है। अब यहां जो अपवाद है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेप्शन, ठीक है। पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं, देखो रिजर्वेशन दी जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर रिजर्वेशन की बात की गई है। रिजर्वेशन किसमें? जॉब्स में, एजुकेशन में। मेन चीज बस इतना याद रखो, जॉब्स में, एजुकेशन में। अब तो पार्लियामेंट में भी चल रहा है, ठीक है, इसके में हम बात करने वाले हैं, बिल लगा हुआ है, ठीक है। तो जॉब्स और एजुकेशन मेन रखते हैं। तो याद रखो आर्टिकल 15 जो है, जॉब्स में यहां से हटा रहता हूं, ठीक है। जॉब्स को यहां से हटा लेना चाहिए क्योंकि वो अनुच्छेद 16 में रखेंगे उसको। मेनली एजुकेशन में रखते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है। जो क्वेश्चन आएंगे वो अगर अनुच्छेद 15 से लेना है तो एजुकेशन, शिक्षा के आधार पे, ठीक है। अब अगर मैं रिजर्वेशन की थोड़ी बात करूं तो ये जो पूरी कहानी थी ये स्टार्ट हुई थी कब? 1951 से लेके 1961 तक स्टार्ट किया गया था कि चलो 10 साल के लिए रिजर्वेशन देते हैं जो पिछड़े वर्ग हैं, क्योंकि उनके पास अभी पैसा भी नहीं है पढ़ने के लिए, सही अच्छे साधन भी नहीं है, तो वो थोड़े पढ़े लिखे, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया गया और 10 साल के लिए दिया गया था, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर और इन लोगों के जो सभा के जो उस टाइम पे लोग थे उन्होंने सिर्फ 10 साल के लिए दिया था। पर ये चीज ऐसी फंस गई है अब कि जिस गवर्नमेंट ने भी ये किया वो फिर ऐसा है कि पूरे 100 साल तक वो नहीं आ पाएगी सरकार, तो सब डरते हैं। अभी हाल में फिर से बढ़ा दिया है 10 साल के लिए, ठीक है। तो 1951 से लेके 1961 तक के लिए बात की गई थी, और वैसे ही ज्यादा डिटेल में नहीं, बस ये इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं मैं आपको। फिर 1960 में जब ये 10 साल कर दिया गया तो फिर 1960 में आर्टिकल नंबर 334, अनुच्छेद नंबर 334, आप लिख लो कि बस आंख एक बार फेर लेना है ऐसे, ठीक है, कि 1960 में अनुच्छेद 334 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिला था। लेकिन इसमें ना कोई समय सीमा नहीं थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई समय सीमा नहीं थी, नो पीरियड, नो टाइम लिमिट, ठीक है, टाइम लिमिट नहीं थी कोई। तो किसको सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूं मैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जाति जनजाति वाले जो लोग थे उनको दिया गया था 1960 में। 10 साल के लिए तो फ्री छोड़ा ही गया था कि करेंगे करेंगे, और 1960 में 334 अनुच्छेद के अंदर भी इसको ला दिया गया, ठीक। अब और ये बोला गया था कि अब लगातार संशोधन करना पड़ेगा जिससे कि 10 साल 10 साल 10 साल आगे बढ़ता जाएगा। फिर ऐसे ही 1951 में, 1991 में ओबीसी वाला आया, ठीक है। फिर ये जो ओबीसी वाला आना चालू हुआ जो कि लगभग 1991 में मंडल कमीशन, ये आप याद रखना, ठीक है, मंडल कमीशन ये आया था। मंडल कमीशन में ओबीसी को देने की बात की गई, और कितना प्रतिशत देने की बात की गई? 27% नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। इसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी में रहता है। वैसे रिजर्वेशन के ऊपर एक पूरी सेपरेट क्लास लूंगा, पर जितना आपको अभी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए उतना बता रहा हूं। उसके बाद हाल ही में, क्यों इतना डिटेल में बताने की जरूरत पड़ रही है मेरे को, क्योंकि 2019 में तो पारित हुआ है अभी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS। ये जनरल के कुछ ऐसे लोग, जनरल में सामान्य वर्ग के कुछ ऐसे लोग जो कि इतना रुपए नहीं है, साधन साधन संसाधन वो नहीं जुटा सकते पढ़ने के लिए इतने, ठीक है। तो उनको भी मिल गया है 2019 में, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आ सकता है प्रतिशत के ऊपर, प्रतिशत के साथ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि EWS 2019 में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओबीसी को कब मिला, 1951 में मंडल कमीशन के नाम पे मंडल कमीशन बना था, उसने सिफारिश की थी 27% की ओबीसी के लिए। SC ST के लिए अनुच्छेद के हिसाब से 1960 में मिला था, ठीक है। तो अभी जो कंडीशन है
वो कंडीशन ऐसा बताती है कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और जनरल में ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, तो एसटी को 7.5%, शेड्यूल कास्ट एससी वालों को 15%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%, कुल मिला के हो गया 59.5%। अब यहां पे जो लोग थोड़े जानकार है उनकी तुरंत बत्ती जलेगी और वो बोलेंगे कि सर आप 59.5% कैसे कर सकते हो, क्यों? क्योंकि 1992 का जैसे ये इंदिरा साहनी वाला जो फेमस जो एक लड़ाई थी, वाद विवाद था इंदिरा साहिनी का सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, बहुत फेमस हुआ वो, पूरा केंद्र सरकार से लड़ गई थी इंदिरा साहनी, तो 1992 में पूछी, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है, वो पूरा हमको नहीं देखना है, वो मेंस में होता है वो इंपॉर्टेंट। तो इंदिरा साहनी ने 1992 में इंपॉर्टेंट हुआ वो ये बोलते, तो पूरा जो निकल के आया उसमें ये आया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन कभी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, 50% से ज्यादा। और एक और चीज बोली थी कि जो रिजर्वेशन जो स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है वो किस बेस पे है, ठीक है, वो है सोशल, सामाजिक, सामाजिक सोशल सोसाइटी के बेस पे, बेस पे, और एजुकेशनल और शिक्षा, जैसे किसी की शिक्षा कम है, ठीक है, तो सामाजिक और शिक्षा के स्तर पर अगर जो लोग पिछड़े माने जाते हैं उनका लेवल बढ़ाना है, जो समाज जैसे ट्राइब्स हो जाती हैं, जाति जनजाति, ठीक है, और जो शिक्षा स्तर के, शिक्षा स्तर जिनका नीचे है उनको हम लोगों को रिजर्वेशन दे रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से एससी एसटी ओबीसी आ गए थे। तो एक और सामाजिक शिक्षा, इसके अलावा अब जुड़ गया है इकोनॉमिक, ठीक है, ये इकोनॉमिक वाली चीज अब जुड़ गई है किसमें, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, 2019 से ये पॉइंट भी आ गया है, मतलब जो आय के हिसाब से, ठीक है, जिनकी इतनी ज्यादा आय नहीं है, आय के हिसाब से, ठीक है, तो ये आ गया है ईडब्ल्यूएस से। तो अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, इंदिरा साहनी वाला तो फेमस हो ही गया, ये क्यों उठने वाला है, ईडब्ल्यूएस की वजह से। कब आया ये, 2019 में आया है, इसमें कितना प्रतिशत दिया जा रहा है, 10% दिया जा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से 50% क्रॉस हो गया, जो कि 1992 में इंदिरा साहनी के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट और उन लोगों ने बोला था कि 50% से ज्यादा कभी भी जो ये रिजर्वेशन है कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन अब 59.5 बढ़ा है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया वापस सुप्रीम कोर्ट से कि भाई तुमने बोला था 50%, अब कैसे बढ़ा दिए, तब अमित शाह ने गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला कि हमने ये बोला, उस टाइम पे ये बोला गया था 50% सामाजिक और शिक्षा स्तर का अगर इस हिसाब से रिजर्वेशन देना हो, किस पे, सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशन बैकवर्डनेस, इसके हिसाब से अगर देखोगे तो 50% था, गेम खेल गए वो लोग, इकोनॉमिक को कौन देखेगा, तो वो असलियत में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस 10%। तो जो ये बोले कि 1992 के जो केस वाली बात है ना, तो ये 10% इस 50% में काउंट भी नहीं होगा, ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकते हैं आपसे कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के हिसाब से कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है, 10%, ठीक है, सोशल और एजुकेशन के हिसाब से कितना है, 49.5, ठीक है, कुल कितना रिजर्वेशन आ गया, 59.5, तो बाकी जो रिजर्वेशन बचता है लगभग लगभग 40%, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैरिट बेस्ड, 40.5 है वैसे ये मैरिट, मतलब सही में, जो सही में मैरिट बेस्ड पे जिसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं। अब एक चीज याद रखना, ये जो मैरिट बेस्ड है ना, इसमें सब लोग फाइट कर सकते हैं, मतलब जनरल भी, एससी भी, एसटी भी, ओबीसी भी, ईडब्ल्यूएस वाला भी। तो एक तरीके से ईडब्ल्यूएस वाले को देखें तो ईडब्ल्यूएस वाले के पास ये 40% भी है लड़ने के लिए और खुद के 10% भी है, ओबीसी के पास 27%, पर यही ओबीसी ईडब्ल्यूएस में भी आ सकते हैं, ठीक है, मतलब ये मान लो 37, ठीक है, और ये पूरा आपका 77% है लड़ने के लिए, ठीक है, एसटी वालों के पास 7.5 तो है ही, नहीं तो ईडब्ल्यूएस में भी जा सकते हैं वो लोग, ठीक है, बस इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अब इक्वली ये थोड़ा ना बोला गया कि सिर्फ जनरल वाले ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, पर सबको पता है कि अगर तुम इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो और तुमको एसटी का मिल जाए तो ज्यादा फायदा है, एससी का मिल जाए तो ज्यादा फायदा है,
तो फिर ईडब्ल्यूएस की तरफ नहीं आएंगे वो, उनको वो एसटी सबसे पहले एसटी में ही ट्राई करेंगे, नहीं लगेगा तो ईडब्ल्यूएस ट्राई करेंगे वो, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन सिस्टम है, इसको इतना समझना जरूरी है अभी के लिए, ठीक है। अब है आर्टिकल नंबर 16, इसको मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल जो 16 है वो जैसे आर्टिकल 15 से ही रिलेटेड है। आर्टिकल 15 में एजुकेशन के लिए बोला गया है, ठीक है, जैसे मैं चलो इसको बता देता हूं थोड़ा, कि जो 15 है वो एजुकेशन शिक्षा के लिए बोलता है, शिक्षा के लिए, ठीक है, कि जैसे आईआईटीज आईआईएम्स यहां पर रिजर्वेशन किससे मिलता है, अनुच्छेद 15 से। लेकिन जब जॉब्स की बात आती है, सरकारी नौकरी की बात आती है, तो अनुच्छेद 16 आ जाता है, ठीक है। सरकारी नौकरी मतलब इसका है इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है ये, ठीक है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लोक नियोजन में समानता, ठीक है। तो ये जॉब्स में रिजर्वेशन जो मिल रहे हैं वो आर्टिकल 16 से, तो ये याद रखना, क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जाता है कि शिक्षा के आधार पे अनुच्छेद 15 में रिजर्वेशन मिलता है और जॉब सरकारी नौकरी के लिए अनुच्छेद 16 से रिजर्वेशन मिलता है। अच्छा, और इसमें एक चीज बोली गई है, जाति जो रिजर्वेशन जो भेदभाव हम लोग सोच रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, कि भाई तुमने बोला कि 14 में भेदभाव नहीं होगा और तुम 15-16 में भेदभाव कर रहे हो, 15 में तुम शिक्षा के लिए कर रहे हो, 16 में तुम नौकरी के लिए कर रहे हो। तो एक चीज देखना, धर्म के आधार पर नहीं है। क्वेश्चन अगर पूछता है कि रिजर्वेशन किस बेसिस पे दिए जाते हैं, तो रिजर्वेशन जाति के बेस पे दिए जाते हैं, रिजर्वेशन लिंग के बेस पे दिए जाते हैं, रिजर्वेशन स्थान के बेस पे दिए जाते हैं, ठीक है। और अब से बोल दोगे आय के हिसाब से भी, 2019 के बाद आप आय भी जोड़ सकते हो। तो देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि अब जो रिजर्वेशन है 2019 के बाद की बात, तो जाति आप कौन सी जाति के हो, लिंग के बेस पे जैसे आपने देखा ना वुमेन लोगों को रिजर्वेशन मिलते हैं बहुत सारी जगह, स्थान के बेस पे जैसे एमपी वालों ने सीधा डिक्लेयर कर दिया है कि सबसे पहले वो अपने एमपी वालों के लिए ही करेंगे, ठीक है। और अगर आप अभी कॉलेज की सीट्स निकली हैं इतनी सारी, उसमें ओएस कैटेगरी अदर स्टेट्स की कैटेगरी, बहुत भेदभाव होता है, इन लोगों का परसेंटेज बहुत हाई होना जरूरी है तब इनका कोई कोर्स बेचारे को शिक्षा ही नहीं मिल पाती, ठीक है। चाहे तुम 90% भी रखे रहो तो भी दूसरे स्टेट में आके प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो स्थान के हिसाब से भी होता है, लिंग के हिसाब से भी होता है, और अब आए मतलब ईडब्ल्यूएस में, ये भी जॉब्स में भी होता है, ये जाति से तो चलो हो ही रहा था वहां पर, ये धर्म के आधार पे कभी भी रिजर्वेशन नहीं है, अभी तक कोई प्रोविजन नहीं है धर्म के आधार पे। तो जो एक मुस्लिम है और जो हिंदू है दोनों के लिए समान ही अपॉर्चुनिटी है अभी भी, ठीक है। तो आर्टिकल 16 आपको समझना है। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17, ये आता है अनटचेबिलिटी के ऊपर, कि एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता, छुआछूत को हटाना है, ठीक है। अब जो ये अछूत है किस आधार पर, तो ये बोलता है देखो जाति के आधार पर मत करना, धर्म के आधार पर मत करना, लिंग के आधार पर मत करना, और भी बहुत सारी ये सब कुछ हैं, लेकिन बीमारी के आधार पे होगा। अभी अगर करंट के हम देखें तो बीमारी के आधार पे तो होगा, अब किसी को भाई कोरोना है तो तुम तो करोगे, और सरकार भी बोलती है, खुद सरकार खुद बोलती है कोरोना के से बचो, ऐड पर हाँ पर ऐड दे दिए कि भाई कोरोना है तो बाहर चाय जरूर रख के आ जाओ, टाटा टी वालों ने बोला है, ठीक है। तो कोरोना मतलब टाटा टी वालों को लगता है कॉन्स्टिट्यूशन पता है, पर सरकार बोल रही है कोरोना वाले जगह से बचो, ठीक है। आपका जो ऐप है वो भी बता देगा भाई बगल वाले घर में कोरोना है मत जाओ उनके पास, ठीक है। तो ये उसको ना ऐसा सेंस मत लेना कि भाई अनुच्छेद 17 तो बोल रहा है कि अस्पृश्यता किसी भी उस पर अछूत मत करना, अछूत नहीं होना चाहिए, हमको छुआछूत वाला नहीं मानना है, पर कोरोना के लिए तो सरकार भी बोल रही है कि उनसे ना मिलो ना बैठो किसी से मत मिलो। तो ये समझ लेना ये भाई इमरजेंसी चल रही है, ठीक है। जब इमरजेंसी कंडीशन में देश है तो मैंने आपको बोला था चाहे वो नेशनल कैसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, ठीक है, सारे आर्टिकल हट जाते हैं, कौन सा, सिर्फ 20 और 21 नहीं हटता, 19 के ऊपर कंडीशन है तो 17 भी हट जाएगा, ठीक है, फिर छुआछूत वाला भी नहीं माना जाएगा उस टाइम पे। तो चलो देखते हैं, तो ये हो गया, ये भी करंट के हिसाब से मैं कनेक्ट करके बताया। अब चलो कुछ कुछ और चीजें बताता हूं रिलेट करने के लिए, जैसे मंदिर आपने सुना होगा
कि मंदिर में जाने नहीं देते कुछ लोग, ठीक है, तो वो भी आर्टिकल अनुच्छेद 17 में ही आएगा, मंदिर में किसी को ना जाने देना किसी भी बेसिस पे। जैसे साउथ में चल रहा है कि औरतों को नहीं जाने दिया जाता है, तो चाहे कैसा भी टाइम चल रहा हो, आपको आप अपना प्रोटेक्शन आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पे जाके मांग कर सकते हो कि मेरे को जाने दिया जाएगा, मेरा अधिकार है। तो आप कभी भी किसी भी मंदिर वंदिर सब जगह जा सकते हो, ठीक है। आप कहीं से भी पानी रोड पे चल सकते हो, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वहां आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। धर्मशाला, अब जैसे धर्मशाला के नाम से अगर कोई चीज खुल गई है कि वो धर्मशाला है, तो उस धर्मशाला में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे प्रोफेशनल बोलते हैं, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, डिसेबिलिटीज, मतलब जैसे मान लो अगर कोई अपाहिज है, दिव्यांग जिसको हमको बोलना चाहिए, ठीक है, अपाहिज है अगर कोई, दिव्यांग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई दिव्यांग है तो वो कोई बिजनेस ना कर पाए कि हम उसके यहां से नहीं खाएंगे, वो दिव्यांग है, ठीक है, तो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ये सब लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कोई दुकान नहीं खोल सकता। ऐसा नहीं होगा कि कोई सिख वाला बंदा मंदिर के सामने प्रसाद की दुकान ना खोल पाए, अगर ऐसा किसी ने मना किया, सीधा जाओ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 17 से को अपना मनवा लो, ठीक है। या फिर कोई मजार पे जाके कोई हिंदू चादर नहीं बेच सकता, या फिर कोई मुस्लिम आके प्रसाद नहीं बांट सकता। जैसे भाई त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार चल जाता है दिवाली, तो देखो कितने, अगर कोई भी अगर ऐसा बेवकूफ आदमी अगर ऐसा बोलता है कि कोई भी मुस्लिम माता की, किसी भी माता की फोटो या फिर उससे रिलेटेड चीज नहीं कर सकता, अगर कभी ऐसा किसी के साथ हुआ, आप जाओ आप सीधा बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे अनुच्छेद 17 इस मौलिक अधिकार का खंडन हुआ है, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। काम होगा आपके ऊपर, समानता का अधिकार है, ठीक है, आप समानता के अधिकार के अंडर में जाके ये चीजें मांग सकते हो सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम लोगों के साथ अभी कॉलेजेस में भी हो जाता है कि कॉलेजेस में ऐसा कभी कभी कोई ग्रुप बन जाता है, ठीक है, कोई ऐसा नए नए ग्रुप की भाई ये सेम सेम स्टेट के हैं, ठीक है। ये जनरली जब कहीं आप फौज वौज में जाओ, तो जैसे मान लो मध्य प्रदेश के लोगों का आसपास एक ग्रुप बन गया, एक मान लो साउथ वाला बंदा है, या फिर चलो छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो बाहर के लोग क्या मानते हैं, छत्तीसगढ़ी जंगली, ठीक है, तो बेचारे को थोड़ा अलग अलग महसूस होता है। बस आप प्रूफ ढूंढ लो, कहीं से भी प्रूफ आ जाए कि इन लोगों ने ऐसा किया है, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया छत्तीसगढ़ी या भेदभाव चालू हो गया, प्रूफ लो, सीधा पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट, इनको हो जाएगा या तो 500 रुपए का जुर्माना या तो फिर 6 महीने की सजा, ये प्रावधान है, बस प्रूफ जुगाड़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। कभी लड़के लड़कियों में हो जाता है, लड़कियां लोग खूब सारा ग्रुप बना लेती हैं, बेचारा अगर एक आध लड़का पहुंच जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ आता है अनुच्छेद 17 में। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये जो टाइटल होता है इनको, अब देखो किस प्रकार के टाइटल्स कौन कौन से अलाउड हैं, ये हमें देखना है, किसको अनुमति मिलती है, ठीक है। अनुमति मिलेगी किसको, जैसे जो एजुकेशन शिक्षा से रिलेटेड हो, ठीक है, अगर कोई शिक्षा से रिलेटेड हो उसको मिल जाएगी, अगर कोई डिफेंस वाली कोई रैंक हो वो, ठीक है, तो उसको अनुमति है। एजुकेशन से रिलेटेड जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, फिर कोई जैसे पढ़ाई करके IAS ऑफिसर बना है, ठीक है, फिर MBBS है, ठीक है, डिफेंस में जैसे कैप्टन है, इंस्पेक्टर है, ये सभी रैंक लगाई जा सकती हैं, ठीक है, जैसे डॉक्टर कुछ भी नाम ये लगाया जा सकता है, तो ये नाम के साथ में लगाई जा सकती हैं। फिर दूसरी चीज जो हमको जानने वाली बात है वो ये कि जो 4 अवार्ड हैं ये थोड़ा खास है, जो 4 अवार्ड होते हैं कौन कौन से, जैसे भारत रत्न, ठीक, फिर ऐसी पद्म विभूषण, ऐसे करके 4 हैं, पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है, जो कि कब स्टार्ट हुए थे, लगभग ये 1954 में हुए थे, पर फिर कुछ केस किए गए, आचार्य कृपलानी का केस, उन्होंने बोला था कि जब ये भारत रत्न मिलता है तो लोग लगाना चालू कर देते हैं कि जैसे भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू, तो इससे क्या हो जाता है, समाज में थोड़ा समानता नहीं दिखती है उसको, बहुत ज्यादा मतलब लोगों के लिए खराब है, उसके लिए तो अच्छा है पर लोगों को ना साइकोलॉजिकली अच्छा नहीं लगता है, तो ये समाज के उत्थान के लिए ये चीज सही नहीं है। तो
इसी इन्हीं की सुन के 1977 में इसको खत्म कर दिया गया था कि अगर आपको भारत रत्न और ये सब पद्म विभूषण इनके पूरी कैटेगरी को कि भाई ये ऐसा ये नहीं मिलना चाहिए, बहुत नेगेटिव लिया गया था। लेकिन फिर 1980 ठीक है 1980 में इसको कांग्रेस सरकार ने वापस चालू कर दिया। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये जो चार अवार्ड 1954 में जो लॉन्च हुए थे, ये 19 कुछ समय के लिए लगभग 3 सालों के लिए इनके ऊपर ऐसा दाग भी लगा था। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा, फिर इसी के बाद जब ये केस आया 1996 में, तो अभी की कंडीशन समझने के लिए आप समझो इसको, 1996 में कुछ बालाजी राघवन करके केस हुआ था, उन्होंने जब फिर से इसके ऊपर केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये अवार्ड है, ठीक है, ये टाइटल नहीं है। तो उन्होंने क्लियरली ये डिफाइन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिफाइन किया कि जो ये भारत रत्न और ये सब है ना, ये अवार्ड है, ये टाइटल नहीं है। अच्छा, टाइटल नहीं है तो कोई भी जिनको ये भारत रत्न और ये सब मिलता है, कोई भी ये एक टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकता। जैसे मैं ये नहीं बोल सकता कि भारत रत्न अंशुल सिंह, अगर मैंने ये बोला तो बाकी मेरे खिलाफ कोई भी दूसरा आदमी अनुच्छेद 18 के हिसाब से मेरे पे केस कर सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मेरी कंप्लेन कर सकता है। तो भाई जो ये नाम है ना भारत रत्न, ये चारों के चारों पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये अवार्ड हैं, अपने नाम के आगे और अपने नाम के पीछे इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी मार्क करके रखना। 1996 के बाद में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया था ये कि इन चारों को हम खंडन तो नहीं कर सकते, क्योंकि भाई यही तो चार चीजें हैं जो लोगों को प्रेरित करती है कि अच्छे काम करो, अच्छी फिल्म, अच्छे अच्छे काम करो। तो अच्छे काम करने के लिए अवार्ड देना जरूरी है, तो अवार्ड तो है, ये खत्म नहीं करेंगे, पर टाइटल की तरह कोई यूज ना करे, क्योंकि बाकी लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता पॉजिटिव, क्योंकि लोग पॉजिटिव थोड़ा ना लेंगे, लोग तो नेगेटिव ही लेंगे सबको। ठीक है, तो चलो भैया तुम हीन भावना ना हो, तुमको प्रॉब्लम ना हो, तुम्हारा मेंटल ऑर्डर सबको सही रहे, तो कोई भी जिसको ये मिलेगा वो अपने नाम के आगे या पीछे इन चारों शब्दों का यूज नहीं करेगा। ठीक है, ये 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बता दिया था। ठीक, तो फाइनली आपको बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है, जो नेशनल अवार्ड्स हैं भारत रत्न और ये जो अवार्ड्स हैं, ये दिए जा सकते हैं, ये अवार्ड लिए जा सकते हैं, लेकिन टाइटल की तरह यूज नहीं करेंगे। इसीलिए नेशनल अवार्ड, मैं लिखूंगा इसको इंग्लिश में कि नेशनल जो अवार्ड्स हैं, जैसे चार मान लो, इनका हम प्रीफिक्स अपने नाम के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनली अब इसको समझते सुलझते 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 सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत टाइम लगा दिया, और इसने फाइनली अभी की कंडीशन में आप भारत रत्न और ऐसे जो वर्ड्स हैं अपने नाम के आगे और नाम के पीछे नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बाहर काम कर रहा है तो क्या होगा। तो समझो, अगर कोई विदेश में काम कर रहा है, या फिर जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर, जैसे सचिन जो थे, सचिन को सर वाला उपाधि मिलनी थी, एक टाइटल मिलने वाला था सचिन जी को, ठीक है, सचिन को, तो वो क्या ले सकते थे क्या नहीं ले सकते थे, अब ये वाली बात समझना। तो क्लियरली आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 में ये बोला गया है क्लियरली कि आप बाहर से कोई भी टाइटल, किसी भी विदेशी देश से आप कोई भी टाइटल नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगर लोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको अनुमति चाहिए। ठीक है, परमिशन लोगे आप, परमिशन किसकी लोगे, परमिशन किसकी लोगे, परमिशन लोगे आप राष्ट्रपति की, यहां पे राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। ठीक है, तो आपको परमिशन राष्ट्रपति की लेनी है। मान लो आपने बिना राष्ट्रपति के परमिशन की आपने वो टाइटल या अवार्ड एक्सेप्ट कर लिया, टाइटल एक्सेप्ट कर लिया, और आपको बोलने लग गए सर रमेश तेंदुलकर, तो अब क्या होगा। तो अब संसद को ये हक दिया है कि अब तुम कोई भी कानून ले आओ और उस बंदे को सजा दो जिसने वो टाइटल एक्सेप्ट कर लिया है, टाइटल को स्वीकार लिया है। और संसद को ना एक इनडायरेक्टली एक बात बोली गई है कि ना तुम क्या करो, तुम उसकी नागरिकता छीन लो। ये सबसे आसान तरीका है कि कोई अगर ऐसा करता है तो तुम उसकी ना भारतीय नागरिकता छीन लो, अगर बिना बताए उसने ये काम कर लिया है। तो सीधी सी बात ये है कि आप मान लो आपका नाम है रमेश, ठीक है, लड़कियां लोग अपने आप को पूजा समझ ले,
आपने बहुत अच्छा काम किया, पता नहीं क्यों पर आपको ब्रिटेन वाले लोग आपको बोलते हैं कि हम आपको टाइटल देंगे सर, दोनों को, सर पूजा सर रमेश, ये टाइटल देंगे। तो आपका सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रेसिडेंट से जाके पूछना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए कि देखो मैंने काम अच्छा किया है, अब मेरे को वो लोग सर वाली उपाधि दे रहे हैं, ठीक है टाइटल दे, अवार्ड ले सकते हो, अवार्ड के लिए भी एक बार बताना पड़ता है, पर जो टाइटल वाला जो चीज है वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है बताने की। तो आप राष्ट्रपति को जब बताने के लिए जाओगे, ठीक है भाई राष्ट्रपति के ऊपर है क्या करना है, राष्ट्रपति डिसीजन लेगा, ठीक है, पर आप बिना परमिशन के अगर आपने ये काम कर लिया या राष्ट्रपति ने आपको फाइनल नहीं बताया कि लेना है कि नहीं लेना और आपने ले लिया, तो फिर काम किसका होता है, संसद का। संसद क्या करेगी, संसद डिसीजन लेगी, और संसद के पास ये भी अधिकार है कि वो आपकी नागरिकता को खत्म कर देगी। और नागरिकता को खत्म करना मतलब 1955 के जो तीन तरीके हैं वो कौन सा, बर्खास्त कर देगी आपकी, ठीक है, आपको वंचित कर देगी आपको, ठीक है, बर्खास्त में आ जाएगा, वैसे ये वाला जो चीज आएगा ये बर्खास्त में आएगा, ठीक है, आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी इंडिया की। तो ये चीज और आपको याद रखनी है कि, तो ये जो ब्लैक में मैंने आपको बताया ना कि राष्ट्रपति नागरिकता किससे परमिशन लेनी है, कौन डिसीजन लेगा, अगर बिना परमिशन के ले लिए तो क्या होगा, ये आते हैं ट्विस्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, तो इनकी आपको तैयारी करनी है। आपको ना इसको ये मत सोचना कि बहुत हैवी है, बहुत हार्ड लग रहा है, कोशिश करो आपको सारी ये जो अधिकार हैं आपके वो एकदम डिटेल में पता चल जाए, जिससे कि जब भी आप चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो, आगे जिंदा तो रहना है, जिंदा रहना है और इसी देश में रहना है, तो इस देश, ये देश हमें कौन से अधिकार दे रहा है, कौन कौन से अधिकार दे रहा है, कहीं हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए, ठीक है, तो इसलिए ये अधिकारों का क्लास तो बहुत अच्छे से आप लो, ठीक है। अब एक चीज मैं आपसे बस पूछना चाहता हूं, जैसे ये लेक्चर थोड़ा सा अलग बनाया हूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं जानता हूं इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, अब क्योंकि मेरा बस सिर्फ इसमें मकसद यह है कि सिर्फ हम प्री के लिए नहीं पढ़ें, इसमें हमारा मेंस पूरा का पूरा कवर हो रहा है, ठीक है, साथ ही में मेरा जो मेन एम है कि जो जो ये क्लास देखे उनको उनके खुद के अधिकारों का ज्ञान हो जाए, ठीक है, तो मेरा वो मेन एम है। पर अगर ऐसा लग रहा है आपको कि थोड़ा सा सर टाइम जा रहा है, इतना जरूरत नहीं है, छोड़ो रहने दो, आप बस इसके लिए हम जल्दी जल्दी कोर्स करवा दो, ठीक है, तो मैं इसको खत्म कर सकता हूं, तो मैं फिर इतना ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैंने आपको फिर बता ही दिया कि प्री में इतना ज्यादा आता है नहीं, ठीक है, तो मैं वो भी कर सकता हूं। इसलिए ना अपने रिव्यूज मेरे को पर्सनली या ग्रुप में जरूर देना, ठीक है, और बाकी सिलेबस का टेंशन मत लो, 25 से पहले पहले जो मैंने आपको बोला है कि मैं 30% आपका कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस कंप्लीट करूंगा, और वो कैसे होगा, वो पार्ट जैसे ही 4A खत्म हुआ ये हो जाएगा, पार्ट 4A तक 30% सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, हमारा पार्ट 3 चल रहा है, 4th आएगा, उसके बाद 4A आएगा, वो दोनों आसान आसान है, पार्ट 3 में ही हमको ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, तो मेरे को रिव्यूज चाहिए इसमें, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर मैं आगे बोर्ड वाले शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा फिर, जितना सिर्फ जरूरत है प्री के लिए। तो चलो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फाइनली हम रिवीजन करते हैं, तो एकदम जल्दी जल्दी बोलना है, प्री के हिसाब से ही बोलेंगे। आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 हमें क्या बताता है, अनुच्छेद 12 हमें स्टेट यानी कि राज्य की परिभाषा डेफिनेशन बताता है। डेफिनेशन में क्या बोलता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सारी असेंबली, सभाएं, कोई भी स्टेट असेंबली मतलब कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी पीएसयू, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, ठीक है, ये सारी कंपनियां, ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें 50% से ज्यादा शेयरिंग हो, या फिर ऐसे कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसके जो कि किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, ये सभी राज्य में आती है, ठीक है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्या बोलता है, अनुच्छेद 13 पार्लियामेंट को यानी कि संसद को यह बोलता है कि तुम पुराने कानून को, पुराने वाले जो कानून चल रहे हैं उनका संशोधन कर सकते हो, कैसे संशोधन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाकर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाकर, ठीक है, सो सिटीजनशिप मत समझना, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूं, ठीक है, और उसके लिए भी कितना स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 वाली बहुमत चाहिए, ठीक है, पर यह ऐसा होना चाहिए कि ये पुराने, ये मतलब किसी मौलिक अधिकार की जो मूल संरचना है उससे छेड़छाड़ ना करे, और अगर ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट को हक है उसको खत्म करने की, ठीक है, ऐसे ही। फिर आर्टिकल 14 आता है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण, ठीक है। इसमें हम लोगों ने यह देखा है कि सबको, चलो ये तो है CAA, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है नॉर्मली इतना,
फिर हमको जो इंपॉर्टेंट है 71 162, 71 से प्रेसिडेंट, 162 से गवर्नर, ठीक है, ये पढ़ा है। इनको संरक्षण है कि जब तक ये पद पे हैं तब तक इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं होंगे, चाहे ये मर्डर ही क्यों ना कर दें। यूनाइटेड नेशन के वर्कर्स और एम्बेसडर्स, ठीक है, एम्बेसडर्स भी, एम्बेसडर्स मतलब जो राजदूत होते हैं वो भी, तो ये सभी पोस्ट के ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं चलेंगे जब तक ये लोग पोस्ट पे हैं। और साथ में एक और चीज पढ़ा है कि 31C जब आता है तो आर्टिकल 14 कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। आता है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में भेदभाव, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन बोला गया है, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, किस बेसिस पे, मतलब 5 बेसिस पे, रिलीजन, जाति, वंश, लिंग, जन्म और स्थान के नाम पे नहीं होगा। ये रिजर्वेशन बोलता है, मेनली हमको ये पढ़ना है, एजुकेशनल रिजर्वेशन देता है ये एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये जॉब्स वाली रिजर्वेशन देता है, ठीक है। ये बोलता है कि समान अवसर मिलेंगे, इसमें अवसर समान मिलेंगे, और यहां पर बाकी समान अवसर जनरली नौकरियों में, और बाकी जो चीजें हैं उन सब में समानता अनुच्छेद 15 देता है, ठीक है। लोगों को कंफ्यूजन होता है एजुकेशन का, लोग बहुत सारे लोग 16 में डालते हैं, पर आपको याद रखना एजुकेशन 15 में रखना। 17 अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये छुआछूत को हटाने के लिए है। नेक्स्ट 18 टाइटल्स को खत्म करने के लिए है। बाकी मैं जितनी भी एक्स्ट्रा चीज बताई है वो आप अलग से अच्छे से नोट्स बना के पढ़ो, इससे अलग हटके कोई नहीं पूछ सकता, ठीक है। जितने ट्विस्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने सारे कवर कर दिया हूं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, और मेरी आशा है कि आप बताएं कि इस, अब मैं जो वीडियो है वो कितनी डिटेलिंग करूं। ये मैं आपको हल्की सी डिटेलिंग करके बताया हूं कि मैं इस लेवल तक आ सकता हूं, अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मुझे बता देंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको कल मिल जाएगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपने आगे के, जैसे मैं आपको पहले बता ही देता हूं, जैसे हम लोगों ने 14 to 18 खत्म किया है आज, ठीक। तो अगले में हम लोग राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और साथ में राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तीनों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, और साथ में मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा इसका, क्योंकि याद करना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।